कल भी आपको बताया था कि हम वायुमंडल के सिद्धांत पे बात करेंगे, कुछ सैद्धांतिक पहलुओं पर बात होने वाली है। और इस क्लास में हम विश्व भूगोल के जो महाद्वीपों की बात थी उन पर थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? सभी लोग मेरे साथ? लेकिन 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 कुछ लोग फंसे रहते हैं अपनी तैयारी में, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मेरे पास एक फीडबैक आया, सर मुझे एटलस में हर चीज आसानी से मिल जाती है, जो चीज फिजिकल मैप में नहीं होती है वो पॉलिटिकल में मिल जाती है, और पॉलिटिकल में नहीं होती है तो दोनों में अगर ना मिले तो मैं वर्ल्ड मैप में मिल जाता है। जो भी हमारे ये छात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सरल सा उपाय है, अगर आपको चीजें नहीं मिलती हैं क्लास के दौरान, नहीं मिलती है तो क्लास के बाद मिल जाए, क्लास के दौरान नहीं मिलती है तो क्लास के बाद मिल जाए। निश्चित रूप से छोड़ना नहीं है। ये मत सोचिए कि मैंने बोला और आप लिख लेंगे, जितना आप ढूंढेंगे उतना ज्यादा आपकी स्मृति में जाएगा। सभी लोग मेरे साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करना चाह रहा हूं रिविजन के साथ, थोड़ा सा रिविजन कर ले। अभी तक एक एक महाद्वीप करते थे, थोड़ा सा हम स्तर बढ़ गया है ना, तो तीनों महाद्वीप करना शुरू करें सभी लोग। सर कल मुझे एल्बर्ट नहीं मिला लेकिन क्लास के बाद देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग समझिए, देखिए वैसे तो मैं अपेक्षा करता हूं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जितना काम मैं कर रहा हूं आप भी क्लास से पहले उतना काम करके आएंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि आप वो नहीं कर पाते हैं, किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो क्लास में अगर कोई चीज ऐसा नहीं मिल रहा है तो इमीजिएटली देखेंगे। तो अभी हम रिविजन शुरू कर रहे हैं। तो पहला महाद्वीप उत्तर अमेरिका, जल्दी से समय नहीं व्यर्थ करेंगे। उत्तर अमेरिका आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए, आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए। उत्तर अमेरिका करेंगे, दक्षिण अमेरिका करेंगे और उसके बाद अफ्रीका करेंगे। क्विकली हम कुछ 15-20 मिनट का रिवीजन करेंगे, इसी के आधार पर आज का टेस्ट होगा, इसी के आधार पर आज का टेस्ट होगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक सी बनाते हैं, एक सी बनाते हैं। जिन छात्रों ने मेरी क्लासेस अभी ज्वाइन की हैं, इससे पहले आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे आग्रह है, आप सभी से आग्रह है कि ये क्लासेस को आप जल्दी से जल्दी शुरुआत से, प्रारंभ से शुरू करें। बीच में पकड़ेंगे तो कई चीजें गड़बड़ा सकती हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमारी 10वीं क्लास है, 10th क्लास। मैं एक डिजाइन के तहत क्लासेस लेता हूं, 10 क्लास तक मैं कुछ एक नई सोच देना चाहता हूं, वो मैंने दी है। तो यदि आप केवल ऐसे ही प्रकट हो गए अचानक कि रामनवमी है और मैं प्रकट हो जाता हूं, आज भगवान की बात है और आप प्रकट हो गए हैं तो आप भगवान ही है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास फिर से करें। यहां पर है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, यहां पर है विषुवत रेखा और यहां पर है ग्रीनविच मेरिडियन। ये दोनों ऐसी मानक रेखा है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। तो ये इस रेखा और इसके बीच में ये जो दिशा होती है, ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो विश्व के उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये महाद्वीप स्थित है। इस महाद्वीप के यहां से सी में से एक अहम रेखा जाती है। ये रेखा क्या है, आप लोगों को चैट नहीं करना है, चैट की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग चैट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चैट की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करेंगे, बिना चैट की चिंता किए हुए आप बस मार्क करते जाइए। यहां बताने की जरूरत नहीं कि सर ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, जो भी है। कुछ लोग लिख रहे हैं, मत लिखिए, आप लिखेंगे आपका रिवीजन मार्क आएगा। और यहां कहीं पर हमारे पास है आर्कटिक वृत्त भी है, आर्कटिक वृत्त भी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत काम की रेखाएं हैं क्योंकि इनसे हमें कुछ अहम अहम अक्षांश पता चलते हैं, अहम अक्षांश पता चलते हैं। तो ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश है और ये लगभग 60 डिग्री अक्षांश है, लगभग। मैं सभी छात्रों को कहना चाहता हूं, जब हम हाथ से मानचित्र बनाते हैं तो ये मानचित्र बहुत स्केल के नहीं होते, ये एक तरह का रेखा चित्र होता है। तो इसमें एकदम ऐसा कि भाई एकदम सही लगाना है वो जरूरी नहीं है, पर हाँ इतना भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने अपने लिए क्या किया, कर्क रेखा पहले निर्धारित कर ली, ठीक है? मुझे दिखाई देता है कि इसका बड़ा भूभाग इस महाद्वीप का एक बड़ा भूभाग 30 से 60 में है। तो ये महाद्वीप मुख्यतः शीतोष्ण महाद्वीप है, ये महाद्वीप मुख्यतः शीतोष्ण महाद्वीप है। वैसे इसका कुछ पार्ट
उष्ण में भी आता है। उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण मतलब ठंडा, और शीत मतलब बर्फीला। ये जो शीत है ये बर्फीला है, ठीक है। अधिकांश भाग यहां पर आता है। हमने ये देखा कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से में अंग्रेजी और उससे जुड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसको एंग्लो अमेरिका कहते हैं। इसको एंग्लो अमेरिका कहते हैं। आप अपना चित्र बनाते जाइए, मुझे सुनते जाइए, और यदि आपको लगता है हाँ ये तो मुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर से कह रहा हूं, जय हिंद, रामनवमी की शुभकामनाएं। ये कार्य बहुत बहुत अहम है, मुझ पर बात कर रहे हैं। इसको एंग्लो अमेरिका कहते हैं। ये जो केंद्र में आता है, यहां पर आता है मेक्सिको, और यहां आते हैं सात देश, जिसको हमने याद किया था बिग हेन के फॉर्मूला से। बिग हेन, बेलीज, ग्वाटेमाला, हंडूरा, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, क्रम में लगे हुए, चिंता करने की जरूरत नहीं। बेलीज, ग्वाटेमाला, हंडूरास, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ। इसके बाद हमने देखा था कोस्टा रिका आया था और पनामा आया था। पनामा में हमने एक नहर की भी बात की थी, ठीक है। पनामा नहर की भी हमने बात की थी, मानव निर्मित नहर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हिस्सा है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन कहते हैं क्योंकि यहां कौन सी भाषाओं का प्रभुत्व है? लैटिन परिवार की भाषाएं, जो स्पेनिश भाषा और पुर्तगाली भाषा का प्रभुत्व है। और यहां पर क्या बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती, लेकिन 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 कनाडा का एक प्रांत है, क्यूबेक प्रांत, कनाडा का एक प्रांत है क्यूबेक प्रांत, जहां पे फ्रांसीसी लोग बसे, तो वहां फ्रेंच बोली जाती। जब भारतीय मूल के लोग अगर अमेरिका में जाते हैं, उत्तर अमेरिका में जाते हैं, हमारे लिए सहज होता है क्योंकि हमने हिंदी और अंग्रेजी का थोड़ा एक्सपोजर है, तो अंग्रेजी आसान होती है। जो लोग थोड़ी अंग्रेजी जानते, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए यहां भी जाना मुश्किल है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली तो हम में से किसी को भी नहीं आती। तो जब भी लोग यहां पर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्पेनिश एंड पोर्चुगीज, वो मुश्किल हो जाता है। अभी किसी छात्र ने कहा, सर थोड़ा धीरे चलिए। सभी लोग, ये 9 क्लास का निचोड़ है जो आपका शिक्षक एक बार दोहरा रहा है। अगर आप ये कहें जो चीज दोहराई जाती है, इसका मतलब ये 9 क्लास में करवाया जा चुका है। ये छात्र शायद ऐसे हैं जो आज आए हैं और ये आज सारे नोट्स लिखना चाहते हैं। बेटा गलत जगह पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक क्रम में चल रहा हूं, इस क्रम में आपको पढ़ाया गया है ताकि आप इस क्षेत्र को समझ सके, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी आप ले सके। सभी लोग को समझ में आया? तो हमने इसकी बात की थी, लेटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली। और अगर आप में से किसी को कभी भी यहाँ पे लेटिन अमेरिका में जाने का मौका मिले और आप अंग्रेजी भी नहीं जानते, तो विश्वास कीजिए ना अंग्रेजी बोलिएगा, ना स्पेनिश, ना पुर्तगाली। अगर आप भोजपुरी है तो भोजपुरी बोल लीजिएगा, बात एक ही है, बात बिल्कुल एक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये क्या हो रहा है बच्चों? ये रिकैप हो रहा है, रिकैप हो रहा है। तो रिकैप का मतलब 9 क्लासेस में जिस भी छात्र ने ईमानदारी से काम किया है उसको सब समझ में आ रहा होगा। हर चीज लिखनी भी नहीं, आप तो हाँ बोलते जाइएगा। ये यूएसए है, इसके इसमें 50 राज्य मिलकर इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया। इसकी सीमा यहाँ पे 49 डिग्री अक्षांश पर आती है, 49 डिग्री अक्षांश पर आती है। यहाँ पर 49 वहां राज्य है जिसे हम अलास्का कहते हैं, और यहां पर लगभग 50वां राज्य है जिसे हम हवाई कहते हैं, ठीक है। हमने ऐसी कुछ बात की थी। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर एशिया है, यहां पर एशिया है, और एशिया के इस क्षेत्र में, और यहां पर इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। मैंने आपको यह भी बताया कि जल संधियां क्या होती हैं, तो ये है बेरिंग जल संधि, ऐसी हमने कोई बात की, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ, किसी ने कहा कि सर यूएसए यूएसए ने ये जो राज्य है, ये राज्य जो है ये पहले रूस का हुआ करता था, तो रूस से खरीदा। तो किसी ने कहा सर यूएसए ने पूरा रूस क्यों नहीं खरीद लिया? तो सोच के देखिएगा, विश्व युद्ध 1 हुआ, विश्व युद्ध 2 हुआ, तो रूस तो पहले यूरोप की तो पहले ही पावर्स बन चुकी थी। तो जब यूरोपीय मूल के लोग यूएस जाते हैं, उससे पहले रूस तो अपनी अपनी क्षमता बना चुका है कि नहीं बना चुका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसी के समीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। हमने ऐसी कुछ बात की थी।
हमने इसके आसपास के सागरों को देखा था। यहां पर था लेब्राडोर सी, यहां पर था बेफिन आइलैंड का बेफिन बे, यहां पर था हडसन बे, यहां पर था बोफोर्ट सी, बोफोर्ट सागर, यहां पर अलास्का की खाड़ी, और यहां पर एक छोटा सा एक्सटेंशन है इस तरह का, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहां पर हमारे पास गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और यहां कैरेबियाई द्वीप है तो कैरेबियन सी है, और यहां पर द्वीप है कुछ, चार बड़े टुकड़े और उसके बाद छोटे टुकड़े, चार बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, चार को कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज और छोटों को कहा जाता है लेसर एंटिलीज। ऐसी कुछ याद आ रही है सभी लोगों को? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उसका फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये कैरेबियन सी, ये ग्रेटर एंटिलीज है, बड़े वाले एंटिलीज, क्यूबा, और उसके बाद ये बड़ा आइलैंड, इसका नाम है हिस्पेनियोला, जिस पर डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती है, जमैका और पोर्टोरिको। पोर्टोरिको अभी भी यूएसए के अंडर है, पोर्टोरिको अभी भी यूएसए के अंडर है। ये एंटाइल्स है, एंटाइल्स पुर्तगाली शब्द से आया है जिसका मतलब बहुत ही पुराने द्वीप। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, पर आपकी एटलस में शायद इतना बड़ा ना हो, इसलिए मैंने उन्हें बड़ा करके दिखाया। और जो छोटे वाले, छोटे वालों का भी चित्र है, और ये स्लाइड भी आप तक भेज दी जाएगी। छोटे में ब्रिटिश वर्जिन, वर्जिन, एंग्विला, सेंट किट्स, एंटीगा, बरबुडा, ग्वाडलोप, डोमिनिका, मार्टिनिक, सेंट लूसिया, बहुत सारे हैं। और आखिर में मैंने आपको कई बार बताया, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, जहां पर दक्षिण अमेरिका, उसके ऊपर त्रिनिदाद टबेगो। मैंने आपसे सिर्फ कहा त्रिनिदाद टबेगो याद रखिएगा। मेरा कई बार इस क्षेत्र में जाना हुआ, अक्सर मैं सेंट लूसिया जाया करता था, लेकिन खुद मुझे ये द्वीप याद करने मुश्किल हो जाते थे। वहीं पर बहुत सारे द्वीप है, मानचित्र में तो केवल इतना ही दिखा रहे हैं, मानचित्र में तो केवल इतना ही दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनका वर्गीकरण कर दिया, ग्रेटर और लेसर एंटिलीज के नाम से हमने वर्गीकरण किया। उसके बाद हम यहां पर घुसे इसके अंदर, तो हमने पाया यहां पर तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको रॉकी कॉर्डिलेरा कहा गया। तट पे जो श्रृंखला है उसका नाम है तटीय श्रृंखला। अब बहुत से छात्र कह रहे हैं, सर मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। अरे भाई, या तो विश्व मानचित्र में देख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए तट पे कौन सी है, तटीय श्रृंखला। उसके बाद बीच की है कैस्केड। जब आप कैस्केड में यहां आते हैं तो उनके स्थानिक नाम अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा, सर हमें तो सियरा निवाडा दिखता है। भाई उसी का नाम यहाँ पर स्थानिक नाम सियरा निवाडा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका नाम क्या है, कैस्केड रेंज। ऐसा ही हमने देखा ब्रूक्स और अलास्का रेंज, और यहीं पे मैकेंजी भी आता है। तो ये सारे रेंज ऐसे जुड़ते हुए इस क्रम में यहां तक आते हैं, और यहां पर कुछ पठार भी बनाते हैं। कौन से पठार हैं हमारे पास, कौन से पठार, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार। इनको क्या कहा गया, अंतर पर्वतीय पठार। इन्हीं में कुछ नदियां बह रही थी, तो नदी एक हमने देखी, कोलोराडो नदी ऐसे जाती, उस पर हमने बांध बनाया, हूवर बांध, उसके पीछे झील बन गई मीड झील। सबको याद आ रहा होगा, सबको एकदम याद आ रहा होगा अगर क्लास किया। यहीं पर हमारा ग्रेट बेसिन है, ये थोड़ा निचला स्थल है, और यहाँ पर हमारे पास एक मशहूर झील है जो सबसे निचला क्षेत्र भी है, ग्रेट साल्ट लेक। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, कैलिफोर्निया के मरुस्थल क्षेत्र है, ये वैसा वाला क्षेत्र हो गया। यहीं पर एक बहुत अहम द्वीप है कैनेडा के बाउंड्री के इधर, इसको कहते हैं वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर काम का द्वीप है, याद रखना चाहिए, परीक्षा में काम आता है, हवाई और वैंकूवर। वैंकूवर किसका है, ये हमारा कनाडा का है। हमने देखा ये वलित पर्वत हैं, ये जो पर्वत हैं वलित पर्वत हैं, ये हाल ही में बने हैं, करोड़ों वर्ष पहले बने, लेकिन हमारे पास ऐसे भी पर्वत हैं जो अरबों वर्ष पहले बने। अरबों वर्ष पहले वाले जो पर्वत थे उनका नाम है एपेलेशियन, ये एपेलेशियन है। और यहीं पर हमने कुछ नदियां और झीलें ढूंढी। एक अहम झील नदी हमने ढूंढी सेंट लॉरेंस, और सेंट लॉरेंस में ऑन्टेरियो, ईरी और ऐसे हमने महान झील ढूंढी, सुपीरियर, यूरोन, मिशिगन, ईरी, ऑन्टेरियो, और यहां भी बहुत सारी झीलें ढूंढी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग, इस प्रकार से
ये झीलें भी ढूंढी और हमने झीलों का सिद्धांत भी देखा कि ये झीलें क्यों बनती। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। फिर हमने देखा यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये घास के मैदान, वृहित मैदान, ये यूएसए के वृहित मैदान क्षेत्र हैं, यहाँ घास क्षेत्र कहलाते हैं। मैं कभी कभी प्रेरी और पैम्पस, कभी प्रेरी की जगह पैम्पा लिख देता हूँ, पैम्पा की जगह प्रेरी, प्रेरी उत्तर अमेरिका में, पैम्पा दक्षिण अमेरिका में। यदि मैंने किसी चित्र में कहीं पर कुछ लिख दिया हो तो आशा है आपको याद होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमने कुछ उत्तर अमेरिका के बारे में किया, सभी लोग मेरे साथ। हमने कितना समय दिया इसको, हमने कुछ इसको 10-12 मिनट दिए रिवीजन में। क्या हम घर में जब इसकी तैयारी करते हैं तो क्या हम 15 मिनट ही कर सकते हैं? क्या हम ये 15 मिनट कर सकते हैं? हर एक महाद्वीप पे 15 मिनट ऐसे ही दौड़ा देना है, सामने एटलस होगी। ठीक है, कुछ लोगों का मन है कि सर इसमें बहुत सी नदियां बताई हैं आपने, तो निश्चित रूप से हमने नदी बताई। केंद्र में यमुना गंगा की जोड़ी जैसी जो नदी है वो है मिसिसिपी मिसौरी, यहाँ पे रियो ग्रांडे आता है, ये कोलोराडो है, यहाँ पे कोलंबिया है और यहाँ पे यूकॉन रिवर है। तो ये हमें याद है, ये हमें याद है। यहाँ पर हमने पठारों की बात की थी, तो ये कुछ अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ पर हमारे पास एक पर्वतपाद पठार है और यहाँ पर हमारे पास शील्ड है, और शील्ड का नाम क्या है, लैब्राडोर शील्ड, कैनेडियन शील्ड, कुछ इसी तरह से शील्ड का नाम। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं सर हम डेली कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो एकदम आपके पास चीजें रहेंगी। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं सभी लोगों को, क्या उत्तर अमेरिका का भूगोल खत्म? नहीं, उत्तर अमेरिका का भूगोल खत्म नहीं हुआ। ये उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल है, हमारे सिलेबस में दिया, यूपीएससी के सिलेबस में दिया है भौतिक भूगोल। तो हम पहले भौतिक करेंगे उसके बाद मानव करेंगे। ये यूं समझ लीजिए कि कोई हेलीकॉप्टर लेकर जाए इस महाद्वीप पर, तो ये दिखेगा, मोटा मोटा दिखेगा, मुख्य चीजें दिखाई देंगी, इतने में हमारा काम बनता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए ऐसा ही एक तेजी से एक और रिवीजन किया जाए, एक और महाद्वीप का कर ले जल्दी से, इस और महाद्वीप का हम वो करते हैं। तो इसको हमने कैसे बनाया था, इसको ऐसे लिया था, ये ऐसे लाए यूं, और ये क्या है, रेखा चित्र है। इनमें एक्यूरेसी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें घबराना नहीं है, लेकिन ये आपकी स्मृति के लिए है, आपको समझ में आएगा। तभी यहां पर इसमें हमारा जीवन कैसे आसान होता है कि अभी भी ये 0 डिग्री अक्षांश तो यहीं पर है, 0 डिग्री ग्रीनविच, और ये विषुवत है। तो ये कैसा महाद्वीप है, ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में भी है, थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में भी है। ठीक है, उसके बाद सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमने बात की थी, तो इस महाद्वीप को, ये हमारा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका दक्षिणस्थ बिंदु केप हॉर्न है, जो कि इस द्वीप का हिस्सा है। इस द्वीप को हम कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। इसके नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप है, और अंटार्कटिक महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के बीच में ड्रेक्स नाम के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए एक पैसेज बनाया गया, ड्रेक्स पैसेज। ठीक यहीं पर वो पहले व्यक्ति जिसने विश्व की सबसे पहली समुद्र की परिक्रमा ली, मगेलन, श्रीमान मगेलन के नाम से भी यहां पर एक जलसंधि है, इसको कहते हैं मगेलन जलसंधि। दक्षिणी हिस्सा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ मानव बस्ती, सबसे दक्षिणस्थ मानव बस्ती जो है वो यहाँ पर है, उशुआइया नाम की स्थिति है। और इस क्षेत्र में जब सबसे पहले ओजोन संकट हुआ, जब ओजोन में छिद्र हुआ, ये आपको पर्यावरण की क्लासेस में मैं अक्सर बच्चों को बताया करता हूं, तो जिन लोगों को ओजोन के छिद्र के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को समझें कि ओजोन के छिद्र के सबसे ज्यादा प्रभावित जो सबसे पहले लोग हुए वो यहां पर हुए थे, टेरा डेल फ्यूगो में हुए थे। क्यों हुए थे, फिर वो क्या करेगा, वो हमारी क्लास को भटका देगा, तो इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। सभी लोग मेरे साथ हैं इसमें। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पर्वत ढूंढते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मानव भूगोल की दृष्टि से
इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये एक भाषाई क्षेत्र है, एक भाषाई क्षेत्र है जहां पर लैटिन भाषाओं का प्रभुत्व है, जहां पर लैटिन भाषाओं का प्रभुत्व है। सभी लोग मेरे साथ इसमें, ठीक है। यहां पर्वत की जब हम बात करते हैं तो ये इस तरह आता है, यहां पर थोड़ा चौड़ा हो जाता है और फिर नीचे आना शुरू, ये पर्वत। कुछ छात्रों ने अपने कमेंट में लिखा है, सर हमने एंडीज को कोर्डिलेरा पढ़ा है, एंडीज को कोर्डिलेरा पढ़ा है, एंडीज को कोर्डिलेरा पढ़ा है। तो कोर्डिलेरा स्पेनिश भाषा का शब्द है। सभी लोग अपनी भौतिक मानचित्र खोल के रखेंगे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आनंद ले रहे हैं, मैं चाहूंगा कि साथ में दक्षिण अमेरिका का फिजिकल मैप खोलिए, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी जॉब इथियोपिया में है सर, अप्रैल में है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इथियोपिया थोड़ी बुला रहा है आपको, एक कंपनी बुला रही होगी, है ना, किसी कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का आता पता जरूर करिएगा। जब भी विदेश में आप कार्य करने जाते हैं, कंपनी जायज होनी चाहिए, उसका आता पता करके जाइएगा। विदेश में भारी संकट होते हैं, कहीं भी किसी भी देश की बात करिए, अगर आप यूरोप जा रहे हैं, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, अपनी कंपनी के दस्तावेज जरूर चेक करिएगा। वो खासकर किसी भी इलीगल काम में, कहीं पर भी, एयरपोर्ट पे भी, कहीं पर भी ध्यान रखिए। चलिए, तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमारा है। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने पढ़ा है कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा क्या होता है? एक से ज्यादा पर्वत श्रृंखला। तो अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर में ना, उत्तर में ऐसे विभाजित सा लगता है, अपनी एटलस में अभी देख कर दे, ऐसे लगता है तीन उंगलियां, एक को कहता है कोर्डिलेरा वेस्ट, एक को कहता है कोर्डिलेरा ईस्ट, कोर्डिलेरा सेंटर। बहुत आसान है, तो कोई चिंता नहीं करनी है। उत्तर में ये पर्वत श्रृंखला जो है थोड़ी सी ऐसी विभाजित दिखाई देती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी निर्बाध, निर्बाध मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वतों के नाम की। इसमें एक ही जगह पर एक बाधा हमें दिखाई देती है, बाधा भी कहूंगा, क्या बाधा तो नहीं कहूंगा, एक दर्रा कहते हैं इसको, उस पलाता दर्रा जो इसको क्रॉस करने में भी हमारी मदद करता है। इसी से ट्रांस एंडियन रेलवे निकली, अर्जेंटीना से निकलती है और यहां पर सेंटियागो, चिली की राजधानी और अर्जेंटीना की राजधानी, यहां पे ये ट्रांस एंडियन रेलवे लाइन है जो जुड़ी हुई। किसी छात्र ने कहा कि सर सारी राजधानियां याद करने की जरूरत है, तो मैं आपसे चाहूंगा, यानी आप मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैंने अपनी क्लासेस में ऐसे देशों के गुच्छे बनाए हैं, ऐसे देशों के गुच्छे बनाए हैं जहां से देश और राजधानी का प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, उन्हें मत छोड़िएगा। सिंपल निर्देश देता हूं, क्लियर निर्देश देता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस तरह में समस्या का समाधान नहीं चाहते, समस्या के साथ जीना चाहते। सर राजधानी रटू ना रटू? भाई सुनो, रटो ना रटो ये कहने से नहीं होगा। या तो एक काम लीजिए, पहले एक शिक्षक से पूछेंगे, दूसरे शिक्षक से पूछेंगे, ऐसे पूछते ही रहेंगे। मेरे पास कई छात्र ऐसे होते हैं जो लगभग 1.5-2 साल से मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब 1.5-2 साल हो जाते हैं फिर बोलते हैं सर प्रीलिम्स में अब सर सिर्फ 3 महीने रह गए, सर अब एनसीईआरटी पढ़ू ना पढ़ू? मैं कहता हूँ भाई जो काम की है वो पढ़ लो। फिर 1 महीने पहले फोन करके पूछता है सर एनसीईआरटी पढ़ू या ना पढ़ू? फिर परीक्षा से 1 रात पहले पूछता है सर पढ़ूं या ना पढ़ूं? फिर मैं कहता हूं भाई काहे का पढ़ना यार, चलो आज फिल्म देखते हैं शाम को। तो जब वो मजाक करते हैं तो मैंने आपसे कहा जितने भी चंपक सवाल होते हैं उनके मैं नंदन जवाब देता हूं। तो फिर मैं उनसे कहता हूं बेटा सिनेमा देखते हैं और मैं फ्री नहीं हूं, कहो तो टिकट भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला खेल बंद करो। क्लियर उत्तर है, कुछ ऐसे गुच्छे हैं जहां पे एग्जामिनर को भी लगता है कि छात्र फंसेगा, उन गुच्छों से वो बनाएगा। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो मैं अक्सर उन गुच्छों को दिखा दिया करता हूं, प्लीज उस पर रहें। पर्वत के बाद हम आते हैं पठारों पर। पठारों पर तो पठार हमें ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठारीय है। अब तो मेरे छात्र जान गए होंगे कि पूरा उठा हुआ क्षेत्र है, ब्राजील का पठार या ब्राजील उच्च भूमि है। और यहां पर माटोग्रासो लिखा है, बोरबोरेमा कुछ ऐसा लिखा हो। और यहां पर क्या है, एक निचला हिस्सा, निचले हिस्से को क्या कहते हैं,
बेसिन भी कहते हैं, खाड़ी भी कहते हैं, तो एक तरह का बेसिन या वैली मान लीजिए। बहुत से छात्र कहते हैं सर अमेजन बेसिन क्या है, बेसिन बताइए, बेसिन बताइए। अरे भाई ऊपर ऊंचा, दाएं ऊंचा, बाएं ऊंचा, यहां पर भी एक पठार है। क्या पठार है? गियाना का पठार, गियाना का पठार। तो जब ये पठार है बच्चों, तो इनके बीच का जो निचला धंसा हुआ क्षेत्र है वहां नदियां बह जाएंगी। कौन सी नदी बहती है? विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन की दृष्टि से, जिसकी लगभग हजारों हजारों सहायक नदियां, अमेजन की घाटी। और फिर हमने देखा यहीं पर एक और घाटी है, इसमें हमने तीन नदियां रखी, पराग्वे देश से आई, यूरुग्वे देश से आई, और यहां पर पराना है, इन तीनों का समूह है। कुछ छात्र कहते हैं सर आप नीचे से चलाते हैं ऊपर से चल रही, जो आपकी एटलस दिखा रही जहां पे पराना लिखा है कि आप कर लेंगे, आपके दिमाग में चित्र हो जाएगा। पराग्वे, पराना, यूरुग्वे, मुझे तो पप्पू याद है यार, पीपीयू। और पप्पू जब मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? रियो डीला प्लाटा, प्लाटा नाम की एक सामूहिक नदी का मुहाना बनता है, उसे प्लाटा कहते हैं, जिसके दक्षिण में अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स है, और उत्तर में यूरुग्वे की राजधानी है, जिसको हम मोंटीवीडियो के नाम से जानते हैं। अब यहां पर कुछ और हिस्से हैं, निचले हिस्से, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये फिर से घास क्षेत्र आता है। इस बार इसको अर्जेंटीना के पेम्पास के नाम से जानते हैं, पेम्पास के नाम से जानते हैं। और नीचे जो था, यहां एक पठार था, और पठार पे मरुस्थल भी है। पठार एक भौतिक वो है और मरुस्थल एक जलवायु की दृष्टि से है। तो पठार और मरुस्थल, इसका नाम क्या है? पेटागोनिया, पेटागोनिया, हमने ऐसी कुछ बात की। बहुत से छात्रों का ये पूछना आया कि सर यहाँ पर हमने पढ़ा है, जैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्रान चाको। सर ये आपने नहीं बताया। तो सभी लोग ध्यान रखिए, आपके जो डाउट्स आते हैं, मैं, मेरी टीम उस पर काम करते हैं। आपको लगता होगा ये क्लास दो घंटे की है, मेरे लिए क्लास का काम हर क्लास पे लगभग 12 से 16 घंटे लगते हैं, तो हम आपके पूरे फीडबैक्स लेते रहते हैं। ग्रान चाको इन पहाड़ों के इस तरफ का निचला क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है। निचला क्षेत्र होने के कारण यहाँ से जो पानी बहकर आता है वो यहाँ इकट्ठा होने लगता है, और ये दलदली भूमि बन जाती है ग्रान चाको। क्योंकि यहाँ पानी भी है, पानी भी अधिक मात्रा में है, और हीट भी काफी है, तो यहाँ पे वन हो गए। यहाँ पर एक विशेष लकड़ी मिलती है, विशेष लकड़ी मिलती है, जिसका नाम है क्वेबराचो। सर ये पहले नहीं बताया था आपने, तो कुछ नया बता रहा हूँ, क्वेबराचो। इस क्वेबराचो को कहते हैं कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, एक्स ब्रेकर। इतनी कड़ी है कि कुल्हाड़ी मारिएगा, कुल्हाड़ी मारिएगा तो हो जाएगा। सर असुंसियन क्या है? बेटा पढ़ लो वहां पर, अभी तक ये इसी में है, इन्हें मानचित्र अभी देखना नहीं आया। राजधानी के लिए आपको बताया था सबका चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, जैसे ब्राजील की राजधानी, उसमें एक चिन्ह होगा पॉलिटिकल मैप। तो असुंसियन किसकी राजधानी है? ढूंढिए जरा, अचानक ऐसे प्रकट हो जाए सर असुंसियन क्या है, सर सर ये ब्राजीलिया क्या है, सर ये ब्यूनस आयर्स क्या है, सर ये सेंटियागो क्या है। अरे पुरुषवाचक संज्ञा शहर का नाम है, उसमें समझाना क्या है भाई, क्या है? तो ऐसे पूछ रहे हो कि अभी दिल्ली में बारिश हो रही, सर ये बारिश कैसे हुई, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो तो समझ में आती है, सर असुंसियन क्या है, ये देखो। ठीक है, खैर जिन लोगों ने काम किया उनको एकदम क्लियर हो रहा होगा। आपको पता है एक गुच्छा यहाँ भी था, यूरुग्वे पराग्वे वाला, यूरुग्वे पराग्वे बोलीविया का एक गुच्छा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो हमारे पराग्वे और बोलीविया है वो लैंड लॉक्ड है, सब तरफ भूमि से घिरे। घास का क्षेत्र समझ में आ गया, ग्रान चाको जो क्षेत्र है ये ग्रान चाको क्षेत्र है। नीचे दक्षिण में पेम्पास क्षेत्र है, ग्रान चाको में एक मशहूर लकड़ी होती है क्वेबराचो, अच्छी मजबूत लकड़ी है, कुल्हाड़ी तोड़ इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर घास क्षेत्र हो गया, यहाँ पर छोटे से वन और दलदली क्षेत्र है, और ये हमारे विशेष विषुवतीय वन, जिनका नाम क्या है? तलवार। बार बार कुछ छात्र पता नहीं क्यों लिख रहे हैं ऐसा, बड़ी अजीब सा एक प्रश्न आता है मेरे पास कि सर एक बात बताइए कि सर यहाँ पर विषुवत वन है, अफ्रीका में क्यों नहीं है? भाई यहाँ है, वहां भी है, आपको नहीं पता लेकिन है। जायरो और कॉन्गो के वन जो हैं ये माने जाते हैं, जाने माने हैं, तो ये तो वन रहते ही रहते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि सर उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में सर ये जो सॉरी दक्षिण अमेरिका में सर ये जो काम की रेखाएं हैं, ये 30 डिग्री है और ये मकर रेखा है,
तो सर ये मकर रेखा और ये होने की वजह से सर सब जगह तो यहाँ पर वन ही वन है, अफ्रीका में क्यों नहीं है? सुनिए, सब जगह वन नहीं है, ये विषुवतीय वन है, ये विषुवतीय वन है। उसके बाद वनस्पतियां बदल जाती, क्यों बदल जाती उसके भी सिद्धांत दूंगा, लेकिन अभी समझिए। अफ्रीका को पता नहीं क्यों इतने लोग अफ्रीका को ये कहते हैं, सर अफ्रीका तो विषुवत रेखा है इसलिए काला है। अफ्रीका का बेटा ऊपर और नीचे दोनों में 30-30 डिग्री ऊपर नीचे जाता है, वो तो विषुवत रेखा पर नहीं है अफ्रीका, हर महाद्वीप का एक फैलाव भी होता है, तो वो एक रेखा में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, हमारे पृथ्वी के ग्रह पर दोनों में दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमा है, क्या अन्य ग्रहों पर भी बर्फ जमा होगा? अमित कुमार मजा ले रहे हैं। अमित कुमार ये पढ़ लो, तुम्हारी जिज्ञासा के चक्कर में कहीं पर दिशाहीन जिज्ञासा का कोई मेरे पास समय नहीं है। सर वहां पे कहीं पे बर्फ है क्या? ये वाला कर लो। कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे रामनवमी है, क्लास चल रही है भाई, बैठ लेते सुनेंगे जरा, है कि नहीं? तो सभी लोग क्योंकि आए ही है, दो महाद्वीपों की कुछ रिवीजन हुई? इस तरह से जल्दी से रिवीजन कर ले करें। तो कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? मिर्गी का रोग, मिर्गी का दौरा, कितने लोग मिर्गी का दौरा जानते हैं? पता है मिर्गी का दौरा क्या होता है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं एपिलेप्सी। पता है एपिलेप्सी के बारे में जानकारी है कुछ? हाँ सर जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं मिर्गी का दौरा? जानते हैं। मिर्गी का दौरा जब किसी को पड़ता है तो एकदम असहाय हो जाता है, उसका शरीर एकदम जकड़ जाता है, दर्द भी होता है, सब कुछ होता है। एक व्यक्ति थे, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे। वे किसकी शरीर के कौन से अंग की बीमारी है? ये किसकी बीमारी है एपिलेप्सी? किसी को अंदाजा? ये शरीर के कौन से अंग की बीमारी? ये मस्तिष्क की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी। ठीक है, तो जब ये एपिलेप्सी होता था, जब उनको दौरा पड़ता था, तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो उससे निजात पाना चाहते थे। तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसको इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, भाई इसका कोई इलाज नहीं। तो डॉक्टर से उसने कहा, सर कुछ तो इलाज होगा। उसने कहा, देखो भाई कुछ होता है, एक काम करते हम आपके दिमाग का स्कैन कर लेते हैं। स्कैन में आपने सुना है MRI होता है, दिमाग का स्कैन MRI होता है। एक और MRI होता है जिसका नाम है FMRI। FMRI का मतलब ये कि आप होश में रहेंगे, आप बेहोश नहीं है, आप होश रहेंगे, आपके सिर पर लगा देगा और यहां पर आपके सिर का चित्र आ जाता है और जो भी दिमाग में जहां भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें इसमें दिखने लगेंगी कि दिमाग में कहां पर कोई घटना हो रही। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा भी ब्रेन के बारे में जानते हैं, हमारी ब्रेन की जो सतह है उस सतह में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीजों को कंट्रोल किया जाता है। हमारा दिमाग हमारा सॉफ्टवेयर है। अभी बच्चों आप ये देख पा रहे हैं, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं। निश्चित रूप से अगर कोई मेरा FMRI करेगा, अभी अगर मेरा स्कैन करेगा, तो ब्रेन का एक हिस्सा वहां पर न्यूरॉन्स काम करते दिखाई देंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे बोलने के समय एक और हिस्सा दिखाई देगा। तो हमारे ब्रेन में जैसे एक मदरबोर्ड होता है, इस तरह से सिस्टम है मेरे चलने के लिए, मेरे बोलने के लिए, मेरे खाने के लिए, सटकने के लिए। तो उन्होंने कहा, देखो भाई जब तुमको मिर्गी का दौरा पड़ेगा तो हम ब्रेन को स्कैन करेंगे, देखेंगे कहां पर हो रहा है। और उन्होंने पाया, तड़ यहां के सारे न्यूरॉन्स खट 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 करके, जब उनको दौरा पड़ता है तो ये दिमाग में ऊपर से चित्र लिया जा रहा है। ये सामने का चित्र है, ये बहुत दुखी है, इनको दौरा पड़ रहा है, ये इनका सिर है और तर 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 यहां पर क्या चल रहे हैं? न्यूरॉन चल रहे हैं। समझ में आया?
देखो भाई, आपको जब दौरा पड़ता है ना तो आपके दिमाग में ये वाला क्षेत्र जो है एकदम से एक्साइट हो जाता है और सारे न्यूरॉन्स चलने लगते हैं, मतलब न्यूरॉन्स अपना कार्य करने लगते हैं। उसने कहा मुझे इलाज चाहिए, मुझे इलाज चाहिए, मुझे क्यों बता रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा इसका इलाज नहीं है, बेटा इसका इलाज नहीं, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कोई तो चीज बताइए, कुछ तो होगा, मैं बहुत कष्ट में हूं। उन्होंने कहा देखो बेटा, एक ना कैंची लेकर इस सारे क्षेत्र को काट देते हैं। आपने देखा कैंसर का इलाज कैसे होता है? अगर किसी के एक उंगली में कैंसर हो जाए ताकि वो शरीर में ना फैले तो वो उंगली ही काट देते हैं। तो उन्होंने कहा यार इसे काट दें क्या? आप कहो तो, ये मामला है इधर, कहो तो काट देते हैं। आप होंगे तो कटवाएंगे? आप होंगे तो कटवाएंगे क्या? आप होंगे तो कटवाएंगे क्या? जल्दी से बताइए, आप होंगे तो कटवाएंगे क्या? कोई नहीं कटवाना चाहेगा, कोई नहीं कटवाना चाहेगा। हजारों न्यूरॉन्स, लाखों न्यूरॉन्स हैं, सब लोग कह रहे नहीं कटवाऊंगा। इसने लिखित में दे दिया परमिशन, सर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा पागल, हमें पता नहीं उसके बाद क्या होगा। सर काट दीजिए, कोई टेंशन नहीं, सर इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर, काट दीजिए। अब ये बड़ी चुनौती की बात है कि नहीं? ये बड़ी चुनौती की बात है, आप कटवाएंगे या नहीं कटवाएंगे? है किसी में हिम्मत? इस पेशेंट ने कहा काट दीजिए। डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को फोन किया, भाई एक आया है बकरा, आज रिसर्च का मौका मिला है, वॉलेंटियर है, काटोगे? काट दिया। ये हिस्सा यहां से, दिमाग का ये हिस्सा काट दिया, ब्रेन का ये हिस्सा कट 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 कर दिया, और यहां पे हजारों न्यूरॉन्स थे, काट दिए। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो उनकी मिर्गी में राहत हो गई भाई, मिर्गी में राहत हो गई, लेकिन एक समस्या हो गई। आप समझते समस्या क्या हो गई? ये समझिए कि मैं आपकी तरफ पत्थर मारता हूं और आपकी तरफ पत्थर आ रहा है, आपकी तरफ मैंने पत्थर मारा तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप ऐसे हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अगर यहां से पत्थर आ रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए, अगर यहां से पत्थर आ रहा है तो आप ऐसे हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अपने को बचाव के लिए। इस व्यक्ति की मिर्गी तो ठीक हो गई, लेकिन अब जब आप इसको पत्थर मारेंगे तो इसका हाथ उठता है, इधर पत्थर आ रहा है, इसका हाथ उठेगा लेकिन इस दिशा में, बेचारे को पत्थर भी लगेगा और हाथ इधर जाएगा। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर में सर्किट बदल गया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। ठीक है, चलिए, ये तो हुई बात मिर्गी के पेशेंट की, मिर्गी के पेशेंट की। लेकिन ये जो कार्य हुआ, ये जो कार्य हुआ, ये कार्य, इस पर जब शोध हुआ तो पता चला कि जो हमारी ब्रेन का ये वाला हिस्सा है, इसे कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, इसे काट दिया गया था। इसे कटने के बाद पेशेंट की स्टडी की श्रीमान स्पेरी ने, रॉजर स्पेरी ने, और रॉजर स्पेरी ने एक विशेष खोज की। क्या खोज की, क्या आप जानते हैं? उन्होंने ये खोज की कि हम सभी के पास एक दिमाग नहीं है, दो दिमाग है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, दाहिना है और बाहिना है, और जो हमने काट दिया वो इनका कनेक्शन था। क्या कट गया? कनेक्शन कट गया, कनेक्शन कट गया, सभी लोग, कनेक्शन कट गया। अंग्रेजी में मैंने एक क्लास ली थी तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हमने अंग्रेजी में सुनी थी। यहाँ के बच्चों से मैं जब बात करता हूं तो अधिकांश लोग अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए बात कर रहा हूं। रॉजर स्पेरी साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। एक है हमारे पास लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट मतलब बायां, वाम ब्रेन, और दूसरा है राइट मतलब दायां ब्रेन। अभी आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने सीधे हाथ से लिखता हूं, दाएं से लिखता हूं। क्या आप जानते हैं ये दायां कौन चलाता है? लेफ्ट ब्रेन। आपके परिवार में, किस घर में, ऐसा मुझे बता दीजिए, किस घर में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं? अधिकांशतः आपके घर में सारे राइट हैंडर होंगे। राइट हैंडर का मतलब लेफ्ट ब्रेन, ये हम सब की डोमिनेंट ब्रेन है मानवता में। है किसी के घर में ऐसा कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं? आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या लेफ्ट हैंडर ज्यादा हैं, बाएं हाथ से काम करने वाले ज्यादा हैं, दाएं हाथ से? अधिकांशतः सभी लोग राइट हैंडर्स होते हैं, लेफ्ट हैंडर बहुत कम होते हैं, लेफ्ट हैंडर बहुत कम होते हैं। जो लेफ्ट हैंडर होते हैं,
ये राइट ब्रेन है बच्चों, राइट ब्रेन किसे कंट्रोल करती है? हमारे लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को। और ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करती है। चलिए, तो आपने अंग्रेजी माध्यम में बताया था, आज क्यों बता रहे हैं? आज क्यों बता रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं सभी लोग। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मैं आज क्यों बता रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लेफ्ट ब्रेन जो है ये नेचर ने हमें दी, प्रकृति ने हमें दी, क्योंकि ये ब्रेन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये फाइट या फ्लाइट करती है, फाइट या फ्लाइट। और ये लड़ेगा या भागेगा, इसका मतलब क्या है? अगर अगर आपके पास, अगर आपके सामने खतरा आता है तो आप क्या करेंगे? आप खतरे से लड़ेंगे या भागेंगे? यूपीएससी आपके सामने है तो आप क्या करते हैं? लड़ते हैं, नहीं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। फिर जब टेस्ट में नंबर नहीं आते तब क्या होता है? भागते हैं, फोड़ देते हैं। ये ना लड़ता है ना भागता है, ये लड़ता भी नहीं है भागता भी नहीं है, ये क्या करता है? अनुभव। ये अनुभव करता है सब चीजों का, ये सर्वाइव के लिए नहीं है, ये लिव के लिए है, बढ़िया से जिया जाए। अगर आपके सामने, मैंने सुना जो हमने कूनों में जो चीते मंगाए अफ्रीका से, एक मादा चीते को चार छोटे छोटे शावक हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने चीता आ जाए तो क्या करना चाहिए? चीता आएगा तो क्या करेंगे सभी लोग? चीता आएगा तो क्या करेंगे? प्रकृति ने हमें क्या कहा है? चीता आएगा तो क्या करना चाहिए? भाग भाग, जितना तेज भाग सकता है भाग, भाग ले, छुप ले। अगर बंदूक है तो चीते पर तान के गोली मार दो। बचो, हर हाल में बचना ही बचना है, ठीक है। अगर एक राइट ब्रेनर के सामने चीता आएगा तो राइट ब्रेनर क्या कहेगा? भाई सुनते हैं, चीते विलुप्त हो रहे हैं, मौका मिला है जीवन में पहली बार चीता इतने करीब से, एक सेल्फी तो बनती है, ये सेल्फी लेने पहुंच जाएगा। हो सकता है ये उसकी आखिरी सेल्फी हो, हो सकता है ये उसकी आखिरी सेल्फी हो। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में लेफ्ट, ये राइट ब्रेनर कम हो गए, ये विलुप्त हो गए, निकल लिए, ये अपने ही मजे में थे। आपने सुना पैर पे रस्सी बांध के लोग ऊपर से पहाड़ से कूदते हैं, उसको क्या कहते हैं? रस्सी बांध के ऊपर से पहाड़ से कूदते हैं, उसको कहते हैं बंजी जंप, एडवेंचर स्पोर्ट में गिना जाता है। रबड़ की रस्सी होती है, उसमें पैर में बांध के कूद जाते हैं लोग आनंद के लिए, लेते कि नहीं? लेफ्ट ब्रेन बोलेगा ना, नो लाइफ थ्रेटनिंग स्पोर्ट्स, इसी में भी अगर जिंदगी का खतरा है, जीवन का खतरा है, ना भाई बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रकृति ने एकदम सोच के ये वाली ब्रेन दी है सबको कि भाई अपना बचाव करो। ये वाला जब जाता है, पहले तो कहता है कि मुझे बंजी जंप करनी है, फिर जब पहाड़ पे पहुंचता है कहता है अगर रस्सी के बिना कूदू तो कैसा रहे, अगर मैं बिना रस्सी के कूद जाऊं तो कैसा रहे बंजी जंप में। आप समझ सकते हैं ये क्या है? ये एडवेंचर है, इसे एडवेंचर अच्छा लगता है, इसे एडवेंचर अच्छा लगता है। इसको ये है, सर तीन चार स्टेप बता दो मैं आंसर लिख दूंगा, ये सिर्फ रिपीट कर सकता है, लेकिन इसके पास सृजन की क्षमता है, ये क्रिएटिव है। समझ में? ये क्रिएटिव, इसको क्या दिखाई देता है? इसको शब्द दिखाई देते हैं, शब्द, आंकड़े, डेटा, डेटा दिखाई देता है। इसको शब्द दिखाई नहीं देते, इसको शब्द दिखाई नहीं देते, इसको क्या दिखाई देता है? शब्दों का संदर्भ, शब्दों के पीछे छिपे सिद्धांत। बहुत से लोग ऐसे हैं, विश्वास करिए और सच में बताइए मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे लोगों से मिले हैं जो पढ़ते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन नंबर ज्यादा लाते हैं? और कितने लोग ऐसे सुबह शाम रट रहे हैं, जोड़ रहे हैं सब कुछ, सारी चीजें, परेशान है यार, इतना अखबार कौन पढ़ेगा, ये कौन पढ़ेगा, सचिन सर ने ये पढ़ा दिया, मणिकांत सर ने ये पढ़ा दिया, खान सर ने ये पढ़ा दिया, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अब मैं कैसे जिंदा रहूं? और ये मजे मजे में घूमता घामता आएगा और सब मजे में जाकर उत्तर भी लिख देगा, काम खत्म। सभी के जीवन में आए होंगे ऐसे लोग, सभी के जीवन में आए होंगे। इनके प्रिय विषय, इनके प्रिय विषय होते हैं गणित,
ये गणित है, इनके प्रिय विषय हैं गणित और विज्ञान, इनके विषय क्या हैं? कला, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें वो करते हैं, सारी कलाएं इनको आती। अगर कि अपनी जान बनाने के लिए किसी का खून करना हो, किलर इंस्टिंक्ट, किसी का बेवकूफ बनाकर, उल्लू बनाकर खुद को बचाना हो, ये इनके पास है। ये किसी को भी जरूरत पड़ने पे निपटा सकते, किलर इंस्टिंक्ट इनके पास है। क्यों? तुम्हें बचना है, बाकी की चिंता मत करो, तुम्हें बचना है, बाकी की चिंता मत करो। लेकिन इनके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, किसी को नहीं मार सकते, इनके पास मानवीय संवेदना है, दया है, करुणा है। होता है ना, घर में कहा जाता है सुनो, कहीं से पिट के मत आना, घर में बहुत क्लियर है पिट के मत आना। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पांच थे, मैं अकेला था, डिसाइडेड था कौन पिटेगा, बट घर में कहा हुआ पिट के मत आना। पहले तो पिटे हम, फिर घर भी आना है, तो घर में आके क्या बोले, अरे सबको तोड़ दिए, भोकाल मचा के आए, पिट के आए थे। सभी लोग मुझे ये बात बताइए, भारतीय समाज में इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, भारतीय समाज में किस चीज को ज्यादा बेहतर देखा जाता है? ये सक्सेस एट एनी कॉस्ट है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। डोमिनेंट किधर गया? ये सक्सेस चाहिए इसको, बस इसको चाहिए सक्सेस और जीवन का आनंद, जीवन कैसे दिया जाता है वो। डोमिनेंट और ये क्या है, राइट हैंड, कौन सी वाली ब्रेन है, जल्दी से बताइए। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी शिक्षा किस चीज पर जोर देती है? आंकड़ों पर। बेटा पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लास कुछ भी चल रही हो, सर क्या चंद्रमा पे वहां पर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये वाली जो ब्रेन है ये सब जगह पे डोमिनेंट है, नेचर ने किया है, समाज ने भी इसी को जोर दिया है। आज की डेट में जो जीतता है उसी की तूती बोलती है, आपको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद जीतना ही जीतना है और कुछ नहीं है। ये लेफ्ट है और इसे पुरुष प्रधान ब्रेन भी कहा जाता है, पुरुष प्रधान, ये पेट्रियार्किकल ब्रेन है, ये पेट्रियार्किकल ब्रेन है। इसमें यदि कोई थर्ड जेंडर की बात होती है, पुरुष, स्त्री और तीसरा जेंडर, ये उसे नहीं मानेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, पेट्रियार्की उस पर है। यहां जो भी कमजोर है वो नालायक है, यहां जो भी कमजोर है नालायक है। और मैं कहूंगा कुछ हद तक अगर राजनीति में चला जाऊं तो जहां पर भी आपने तानाशाही देखी है वहां कुछ लेफ्ट ब्रेन का जोर ज्यादा रहता है, अपनी बात मनवानी ही मनवानी है, कुछ भी हो जाए, ये दाम दाम दंड भेद किसी तरह से, ये मास्टर को पैसे दिए, मास्टर फैक्ट दे, डिक्टेट कर, ये लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन अभी आपको कह रही होगी, मास्टर जी कहना क्या चाह रहे हो, पढ़ाओगे कब। और राइट ब्रेन क्या देखना चाह रही होगी, यार कुछ तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये देखा जाए। इसे कहा जाता है फेमिनिन ब्रेन। इसे कहा जाता है, ये आपको चीजों को संपूर्णता में देखने की मदद करती है। लेफ्ट ब्रेन क्या करती है, फर्स्ट एक्शन, गए काम किया, चाहे क्राइम हो, क्राइम कर लिया, उसके बाद सजा काटता है। ये क्या कहता है, फर्स्ट थिंक देन एक्ट। दो ब्रेन्स हैं, बहुत ही क्लियर ब्रेन्स हैं, दो तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं। एक शिक्षा पद्धति ऐसी है कि शिक्षक आपको जानकारी 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 देता जाता है क्योंकि आपकी लेफ्ट ब्रेन को पसंद है, और शिक्षक उसे बहुत अच्छे तरीके से जानकारी आपके पास पहुंचाता है। राइट ब्रेन
राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन पहले जानकारी के संदर्भ को लाता है, जानकारी इसकी क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे, और वो उसके बाद आप देखते हैं कि फैक्ट अपने आप जाकर बैठ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये बताइए मुझे, हम सब तो राइट हैंडर है, हम सब राइट हैंडर है या नहीं है, हम सब राइट हैंडर है या नहीं है? अधिकांशतः हम सब राइट हैंडर है। तो प्रकृति ने हमें कौन सी ब्रेन डोमिनेंट दी है? लेफ्ट ब्रेन। हमारी लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट को कंट्रोल करती, क्यों दी है? क्योंकि डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चीता को देखकर भागना है भाई, अपनी जान बचाओ, अपना ख्याल रखो, स्वार्थ ये सिखाता है, निस्वार्थ ये है। आप बताइए, स्वार्थी लोग, स्वार्थी नेता, स्वार्थी धनपति जो है अपना ही सोचते हैं, देश का या कहीं और का कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते। और कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है निस्वार्थ? एक गरीब आदमी अगर दूसरे गरीब को रात को भूखा सोता देखता है तो जो है वो उसके लिए दो रोटी छोड़ देता है। कहां पर है राइट ब्रेन? तो भी बहुत से लोगों को लगा होगा, सर मुझे भी राइट ब्रेन चाहिए, मुझे भी तो राइट ब्रेन चाहिए। आप बताइए, स्कूलों में या घर में भी बच्चों मारपीट के पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? हम उस पीढ़ी के हैं जब हमें मुंह से कम, जूते से, चप्पल से ज्यादा गणित समझ आता था। ऐसा नहीं कि हमें समझ आता था, समझाया गया, समझाया गया। क्यों? लेफ्ट कहता कैसे नहीं जाएगा गणित, एकदम जाएगा, अगर सीधा नहीं जाएगा लट से जाएगा, ये लेफ्ट कराता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब पिटाई हो जाती, सब कुछ हो जाता है, तो छुपते छुपाते जख्मों के साथ कहां पहुंचते हैं? मां कुछ बचा लो, फिर मां भी मिलती है। अभी यहां पे बहुत से लोग ऐसे होंगे, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरा तो यही है। और मैं बता रहा हूं, क्लास में बहुत असहज होते हैं जब मैं कहता हूं कि बेटा चित्र बना लो और रिविजन कर दो। किसी ने कहा ना, धीरे धीरे चलो, लेफ्ट ब्रेन क्या कर रहा है, जल्दी से सब लिख लो, सचिन सर अभी मोती बांट रहे हैं, जल्दी से लिख लो, ये लेफ्ट ब्रेन करवा रहा होता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैं आपकी किसी कमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं, प्रकृति ने तो हमें दोनों दिए हैं, प्रकृति ने तो दोनों दिए हैं, नोबेल प्राइज दिया गया उसके लिए, दोनों हैं। एक को हम यूज नहीं करते हैं, एक को हम यूज नहीं करते हैं। देखिएगा, अभी एक कागज की एक गेंद बनाइए और उसे कहीं पे डस्टबिन में, कूड़े में फेंक के देखिए, अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से। राइट हैंडर्स का लेफ्ट हैंड एकदम एकदम ऐसा होता है जो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर कभी काम ही नहीं किया। जबकि आप देखेंगे लेफ्ट हैंडर जो होते हैं ना, लेफ्ट हैंडर, उनका राइट भी सही चलता है, जो राइट ब्रेन होते हैं उनके दोनों हाथ चलते हैं। अमिताभ बच्चन आप देखेंगे राइट से साइन करेगा, बंदूक जो है लेफ्ट में पकड़ेगा। सचिन तेंदुलकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज, लिखते बाएं से हैं। क्यों? जब बच्चा बाएं से लिखता हुआ पाया जाता है ना बचपन में, तो माँ बाप कहते हैं अबे डिफेक्टिव पीस आ गया, उसे कहते हैं ये हाथ बांध, इस वाले से सीख। वो बेचारा दोनों सीख जाता है। तो बच्चों, भगवान शिव में भी अर्ध नारेश्वर का अवतार है, आधा पुरुष आधी स्त्री, संतुलन नहीं है। जो मैं क्लास लेता हूं आप लोगों की, जिसमें कि हम ऐसी चीजें सुनते हैं, जिसमें आप मुझे बहुत अजीब अजीब सी चीजें लिखकर भेजते हैं, सर जादू हो रहा है, पता नहीं कैसे, सर यार अनबिलीवर लगता है, जैसे कुछ याद नहीं है, और जैसे ही टेस्ट देते हैं फुल मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन तो कह रही है। लेफ्ट ब्रेन क्या कहती है? भाई अभी तो सर ने ताजा ताजा पढ़ाया, मुझे कुछ याद ही नहीं। सर पढ़ते टाइम नहीं लगता कि सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, लेकिन जब आप टेस्ट लेते हो अपने आप हाथ सही जगह पर चला जाता है, पता नहीं कौन लेकर जाता है। वो जादू मैं नहीं करता हूं, वो आपकी राइट ब्रेन करती है, क्योंकि उसने उसको चुन लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों को मजाक लगता है, अभी कुछ लोग जितने भी लेफ्ट ब्रेनर है ना, लेफ्ट ब्रेनर मुझसे बहुत गुस्सा चल रहे हैं, ये मास्टर पढ़ा क्यों नहीं रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। आप एक बात बताइए, स्कूलों में कॉलेजों में कितना घंटा पढ़े हम? आधा घंटा पढ़े 45 मिनट, मैं आपको दो दो घंटे बिठा देता हूं। गुड आफ्टरनून सर, वैसे मैं कमेंट करने से बचती हूं, पर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है, आपकी क्लास से मेरी सिटिंग टाइम इंप्रूव हो गई। बच्चों यूपीएससी का एग्जाम 3 घंटे आएगा, उस उत्तर लेखन का आप लोग यहां पर दो दो घंटे बैठ जाते हैं। लेफ्ट ब्रेन थकाती है, आप बैठ के देख लीजिए किसी लेफ्ट ब्रेन क्लास में, फैक्ट की क्लास में। देखिए
मैं भी बहुत से शिक्षकों से पढ़ा हूँ स्कूलों में, ठीक है, बहुत से कर्णप्रिय शिक्षक मिले, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत स्वीटली बेटा ऐसा कर लो वैसा करो, लेकिन हृदय प्रिय शिक्षक बहुत कम मिले। उन्होंने एकदम शिक्षा से जुड़ाव कर दिया, फिर उसके बाद वो आए मुझे छू के चले गए, लेकिन जो उन्होंने छुआ उसके बाद मैं दौड़ता पाया गया, फिर मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, रूरल एरिया से आती हूँ, मुझे इससे पहले कभी स्कूल में भी अच्छे नहीं मिले, लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको अटेंड करने के बाद, मैं बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। कब से होने लगा कि शिक्षा क्लास के बाद आप में एनर्जी आ जाए, क्लास के बाद तो हम थकते थे, सर मुझे पता ही नहीं चलता कि ज्योग्राफी साइंस है, अब पता चला है सर, ये तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सर खुद मैप बना के मैप में भरने से कुछ भी क्वेश्चन देने पर माइंड में मैप बन जाता है, और ये जो है मुझे कोई टेंशन नहीं, पहले मैं मैथ्स करती थी इसके लिए ताकि माइंड फ्रेश रहे, अब तो मैं ज्योग्राफी भी करती हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ कर्ण प्रिय टीचर नहीं हूं, सुनने में अच्छा लगा, मेरे बहुत से सुनने वाले अच्छे टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का, उनकी वजह से सिलेबस खत्म होता था ये वो। लेकिन हृदय प्रिय शिक्षकों ने क्या किया, आज तक मैं उन्हें मिस करता हूं, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय के लिए मेरे जीवन में आए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, लेकिन शिक्षा में जो वो छुआ के चले गए उसके बाद लगा यार अब तो मेरे पास ही पंख हैं, धन्यवाद गुरुजी पंख देने के लिए। कहां से आए वो, कहां से आए वो। आज रामनवमी है, आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रावण का वध हुआ, रावण का वध हुआ, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक काम करो, रावण बड़े विद्वान थे, इनसे जाकर इनके पीडीएफ नोट्स मांग लो, इनके पीडीएफ ले लेना, इनका बर्छी भाला ले लेना, ऐसा तो नहीं कहा था ना, क्या कहा था, बड़े विद्वान थे इनका ज्ञान ले लो, ये नहीं कहा कि इनका पीडीएफ ले लो, इनके नोट्स ले लो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो रटे हुए, एक काम कर लंका का नक्शा भी ले लेना, कभी जाएंगे इनके पास तो बर्छी वाला एक दो एक्स्ट्रा तीर तमंचे हो रख लो, आगे काम आ जाएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ उनके पास, उनका ज्ञान ले लो। भगवान ने भी राइट ब्रेन कहा था, लक्ष्मण एक बार को सोच सकते थे, लक्ष्मण एक बार को सोच सकते थे, दंभ में आ सकते थे कि हमने रावण को गिरा दिया है। भगवान राम कहते हैं तो ऐसे रावण तो हम कभी भी गिरा सकते हैं, ऐसे रावणों को गिराने के लिए तो हमने अवतार लिया है, इसको तो जब गिराना हो गिरा देंगे, लेकिन इसके पास जो चीज थी, शब्द नहीं देखो, इसके पास जो समझ थी वो कहाँ है, उसे ले लो, उसे ले लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन फिर वही कहूंगा, अभी भी बहुत से छात्र ऐसे होंगे, अरे आज मास्टर जी भाषण दे रहे हैं, है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे लेफ्ट ब्रेनर्स, तुम्हें कैसे बताएं इसमें मजा क्या है, में पढ़ना कम पड़ता है और रिजल्ट ज्यादा आता है, इसमें मजा ज्यादा आता है और आउटकम उससे भी ज्यादा आता है। ये क्लास 2 घंटे में नहीं बनती, क्लास बनने में 16 घंटे लगते हैं, जो आपको 2 घंटे पता नहीं लगते, बट फिर भी लेफ्ट ब्रेनर्स यार मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों, इस बेचारे ने सोच के आया था 150 ग्राम तो ये लिखवाई देगा तभी नींद आती इनको, अगर इनकी नोटबुक में 150 ग्राम ना भरवाओ तो नींद नहीं आती है, फंसा हुआ है, क्या करें, है ना। तो भाई दो चुटकी राइट ब्रेन ट्राई करके देखो, भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों है, दोनों समझ लीजिए, और आपको क्लियर बता रहा हूं, आपके एसएससी के एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम जो केवल जानकारी पर आधारित है, वो लेफ्ट ब्रेन बहुत सही काम करेगी, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में आपकी राइट ब्रेन भी चाहिए भाई, अगर वो अपाहिज है, वो ब्रेन, वो वाला हिस्सा यूज नहीं होता, अगर वैसी सोच नहीं आती तो भाई दिक्कत हो जाएगी, एक लड़ाई करवाऊं आपकी ब्रेन में, दोनों ब्रेन में लड़ाई करवाना चाहेंगे, करा दूं। तो हमारी ब्रेन क्या करती है, लेफ्ट ब्रेन जो दिया है उसे पढ़ती है, जो दिया है उसे पढ़ती है, लेकिन राइट ब्रेन जो कहा गया है उसके आशय को पढ़ती है। तो अभी कुछ एक आपके सामने एक वाक्य आएगा, आपको उस वाक्य के शब्द नहीं उच्चारित करने, जोर से बोलना है जहां भी आप बैठे हो, शब्द नहीं बोलने, क्या बोलना है, जिस रंग में वो शब्द लिखा है
क्या है, जल्दी से पढ़ेंगे इसको, जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा है। रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट। नहीं 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 ये नहीं पढ़ना था, ये तो लेफ्ट ब्रेन पढ़ रही है। इसको क्या कहेंगे, बैंगनी हरा नीला हल्का नीला, हल्का नीला बैंगनी हरा, हरा बैंगनी नीला बैंगनी नीला काला। एकदम से लेफ्ट ब्रेन क्या पढ़ना चाहती, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट, रेलवे ग्रुप डी सिलेबस से संबंधित सभी विषयों के प्रश्न रीजनिंग है। लेफ्ट ब्रेन जो दिया है उसे पढ़ती। सभी लोग जोर से पढ़ेंगे, किसी की चिंता मत करिए। ये क्या है रेड, ये क्या है ब्लू, ये क्या है ऑरेंज पर्पल, इनके रंग बोलने हैं, इनके रंग बोलने हैं, रंग से काम। राइट ब्रेन क्या पढ़ती है, राइट ब्रेन पढ़ती है जो प्रश्न है। कई बार मैं कहता हूं प्रश्न क्या है हमें नहीं पता होता, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग को समझ में आया, तो हमने अभी क्या किया, रॉजर्स पेरी ने जो हमें बताया हमारी लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का काम हो रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, सबसे अनुरोध है क्या करेंगे, दोनों ब्रेन्स को बढ़ने दीजिए। अगर आपको उत्तर लेखन सीखना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरे पास जानकारी उत्तर नहीं लिख पाऊंगा, कैसे लिखोगे। जहां चाहिए सुई वहां तलवार काम नहीं करती। ये जितना भी लेफ्ट ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन ये हमें घमंड देता है। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखवाते हैं, मुझे सब याद है, मुझे गणित के सारे पहाड़े याद है, ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाता है, इसमें घमंड होता है। लेकिन इसमें क्या होती, ह्यूमिलिटी होती, ये हम्बल होता है, समझिएगा। होता चना बाजे घना, ये जो छोटी छोटी चीजें ना और ये घमंड टूटते हैं, ये लकड़ियां टूट जाती हैं, तानाशाह ढह जाते हैं। लेकिन यहां पर धीरे धीरे जीवन का आनंद भी मिलता रहता है, दोनों चीजें। तो आशा है दोनों चीजें लेकर आएंगे, ठीक है। कहां पर हैं हम, अफ्रीका का रिवीजन कर रहे थे, अफ्रीका चलें। अफ्रीका बनाया था हमने इस तरह से, आपको एक लेफ्ट ब्रेन एक प्रश्न देना चाहता हूं, आप देखिएगा लेफ्ट ब्रेन प्रश्न कैसा आता है। ये तो मिर्गी वाले हो गए, लेफ्ट ब्रेन प्रश्न ऐसा आता है, जलवायु के ही करेंगे। ये प्रश्न आया 2015 में, टर्की कौन से सागरों के बीच में लोकेटेड है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कोई कह रहा है सर लक्ष्मण वाला बता दीजिए, आप समझ रहे कितना लेफ्ट ब्रेन है। सर वो लक्ष्मण वाला समझ में नहीं आया सर, मैं बाकी नोट्स लिख रहा था। कितना लेफ्ट ब्रेन हमें पकड़ लेता है सर, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन होते लेफ्ट ब्रेन होते, फंसे होते हैं। बेटा राइट भी लगा लो, लेफ्ट तो अच्छी बात है, लेफ्ट तो आपका स्ट्रांग है कि नहीं है, लेफ्ट आपका स्ट्रांग है। तो टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, स्वेज, मेडिटेरेनियन, अकाबा या डेड सी। तो किसी छात्र ने लिखा लेफ्ट ब्रेन ने, अरे इससे थोड़ी यूपीएससी पास होता भाई, यही करा रहे हैं, यूपीएससी के प्रश्न करा रहे हैं। आप 2022 के प्रश्न देख लो, उसमें भी आएंगे, उसमें भी ये जानकारी आनी चाहिए। बट अभी बहुत से छात्र ये नहीं कर पाए क्योंकि टर्की हमने किया नहीं है, टर्की एशिया में आता है। इसके लिए क्या मदद होगा, ये वाला आपको होमवर्क दिया था सभी लोगों को याद है। तो किसी ने कहा सर राजधानियां याद करनी है, बच्चों ये गुच्छा याद करना है, कौन सा सागर है, मेडिटेरेनियन सागर के आसपास के सारे देशों का आपको मानचित्र दे रहा हूं। इसमें अपने आप टर्की वाला प्रश्न संदर्भ में आ जाता है कि नहीं, टर्की किन दोनों सागरों के बीच में, ऊपर ब्लैक सागर नीचे मेडिटेरेनियन सागर, बहुत क्लियरली उत्तर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जो मैं आप लोगों को उत्तर के साथ पढ़ाने के साथ जो आपसे कहता हूं कि इन चीजों के कुछ गुच्छे बना लीजिए, गुच्छे मदद करेंगे। अब बताइए लाल सागर का गुच्छा बनना चाहिए, तो क्या आज का होमवर्क दे सकता हूं लाल सागर, लाल सागर से जुड़े हुए देश उत्तर से दक्षिण तक, आप जानते हैं इजिप्ट हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा, उसके बाद क्या जाने वाला है, जिबूती हो जाएगा, एरिट्रिया हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिबूती एरिट्रिया हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं तो परीक्षा की दृष्टि से, मुझे भी पता 54 देश है, कैसे याद करोगे। तो गुच्छे बनाए थे, कल हमने क्या बनाया था, विक्टोरिया के पास पास क्या गुच्छा बनाया था, जल्दी से बताइए। विक्टोरिया के पास यहाँ पे
ये विषुवत रेखा है सभी लोग, यहां पर लेक विक्टोरिया, तो हमने क्या किया यूआरबी, यूआरबी अर्बन से बताया था युगांडा रवांडा बुरुंडी, यहां पर हमने गुच्छा बनाया, क्या बनाया था GTBN गुरु तेग बहादुर नगर, फिर हमने कहा था यह फंसे हुए देश MNC और एक फासो बताया था, साहेल से इसको जोड़ दिया था, यहां पे जोड़ दिया था, फिर यहां पे क्या बनाए थे यहां सेनेगल, हमने यहां पर गिनी बिसाओ गिनी, और उसके बाद यहां पर हमारे पास लाइबेरिया और सियरा लियोन जो आजाद हुए थे, ठीक है, सेनेगल गैम्बिया उसके बाद गिनी बिसाओ गिनी और उसके बाद ये हमने किया था एक गुच्छा ये बना दिया था, यहाँ पे मगरिब देशों का गुच्छा बनाया था, मगरिब देशों का गुच्छा बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था, एक गुच्छा इसका बनेगा, एक गुच्छा यहाँ का बनेगा, एक बनेगा यहाँ का हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, अगर आपको याद हो ये एक गुच्छा बनाया था, एक यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल का एक गुच्छा बनेगा, एक दो तीन चार पांच छह, मैंने कहा था दिमाग में कितनी चीजें याद रहती हैं, सात चीजें याद रहती हैं, छह बनाएंगे याद रहेगा, अगर इसी को 54 देश घोषित कर दूंगा दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया, लेफ्ट और राइट पे काम करेंगे, उस तरह से आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं, आप उस पर थोड़ा भी अमल करेंगे तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे लेफ्ट में आप देखेंगे, कल कोई चैट में लिख रहे थे उन्होंने सारा का सारा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें सारे देशों की सूची डाल रहे थे, क्यों डाल रहे थे पता नहीं, शायद कहीं पे टीचर होंगे अपना मटेरियल कहीं यूज नहीं हो रहा है तो डाल रहा है, डाले कोई दिक्कत, लेफ्ट ब्रेन चल रही है तो चलती रहे, ये वाला गुच्छा कर लिया था, ये वाला गुच्छा केंद्र का गुच्छा, बच्चों ध्यान देना है ये कैमरून है और यहां पर है ये कांगो, कांगो में नदी आ रही है, ये जो हमने जायर नदी देखी थी याद है, कल के सारी चीजें दो बार विषुवत रेखा को काटती है, यहां पर हमारे पास गिनी का एक छोटा सा, यहां पर एक इक्वेटोरियल गिनी भी आता है, ये ध्यान रखना है, वहां पर गिनी थे गिनी बिसाओ, गिनी बिसाओ अगर आपने देखा हो, यहां पर हमने देखा था गिनी बिसाओ और गिनी, ये दो गिनी है और यहां पर क्या है इक्वेटोरियल गिनी, फिर बता रहा हूं उच्चारण की दृष्टि से गिनिया गिनिया मत करिएगा, मुनिया मुनिया मत करिएगा, गिनी है, गिनी का उच्चारण अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में भी तो गिनी है, नहीं वहां गिनी नहीं, उसका नाम है गियाना, वो गियाना था, गियाना सूरीनाम, और ये क्या है गिनी, याद रहेगा, ये कैमरून गेबोन कैंगो गेबोन कांगो और ये जायरे ही ये, इसमें आप चिंता मत करिए मैं फिर आऊंगा इन पर, अभी तो आपके पास परिचय हो रहा है, इसके बाद और भी आएगा कि नहीं, इसके बाद और भी आएगा या नहीं आएगा, जब मैं मानव भूगोल लेकर आऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आपके पास लाने के लिए, एक गुच्छा हमने इधर का किया था कीनिया, ये जो हमारी विक्टोरिया झील है, युगांडा रवांडा बुरुंडी, इनकी या राजधानी पता होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं कंपाला किगाली और बुजुम्बुरा, ये राजधानी के साथ होना चाहिए, पहले बता दिया, यहां झीलें भी ढूंढ दी थी एल्बर्ट एडवर्ड, ये झीलें भी बनाई थी एल्बर्ट एडवर्ड कीवू तांग्यानिका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, और उसके बाद हमने कहा था ये मलावी है, फिर यहां पर हमारा क्या था मेडागास्कर, ये है तंजानिया, तंजानिया में विश्व अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, और तंजानिया में यहां पर दो द्वीप हैं पेम्बा द्वीप और जेंजीबार द्वीप, पेम्बा और जेंजीबार द्वीप याद रखना है, पेम्बा और जेंजीबार लॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, यहां पर है दार एस सलाम, ये शहर है दार एस सलाम, जल्दी से बता दीजिए एटलस में अफ्रीका के तंजानिया देश की राजधानी क्या है, तंजानिया देश की राजधानी क्या है, फिर मुझे बुखार लगा हुआ है फिर भी मैं आपका क्लास कर रहा हूं, बेटा राइट ब्रेन बुखार क्या किसी में भी दौड़ा देती है, कैंसर का पेशेंट अगर राइट ब्रेन से चल रहा हो ना वो भी दौड़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत प्रेरित करने वाला है कि आप अपने स्वास्थ्य में भी आप देख सकते हैं कि ये चीज आपको स्वस्थ करेगी, तो क्या राजधानी है डोडोमा डोडोमा डोडोमा, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी सभी लोगों को एक राइट ब्रेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बच्चों ये जो गोला है ना गोला, ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये आबादी का आकार दिखाता है, आबादी का आकार, छोटा गोला मतलब 50,000 से कम आबादी वाला देश और बड़ा वाला और शहर की बात है और बड़ा वाला ये, तो आप देखेंगे दार एस सलाम का गोला, दार एस सलाम का गोला दोदोमा से, दार एस सलाम का गोला दोदोमा से बड़ा है, यानी दार एस सलाम शहर है किसका, तंजानिया का बड़ा शहर है लेकिन राजधानी है दोदोमा, इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ कैपिटल, जब मैं बड़ा हुआ जिन दिनों मैं स्कूल में था तब हमें पता था कि तंजानिया की राजधानी और शहर दार एस सलाम, यही था
तंजानिया ने कहा, हम वैसे ही एक गरीब देश हैं। अगर हमारा विकास होना है और ये विकास केवल दारुसलाम का हुआ तो हमारे हमारे देश का एक क्षेत्रीय विकास कैसे होगा? तो क्यों नहीं हम किसी और केंद्रीय शहर को राजधानी घोषित कर दें जिसमें विकास भी होगा, जिसकी वजह से विकास की तरंगे सब जगह जाएंगी। इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ कैपिटल। ये और कहीं भी हुआ है, ये ब्राजील में भी हुआ है। ब्राजील का सबसे मशहूर शहर है, सबसे मशहूर शहर रियो डी जेनेरो। हर जगह आप सुनते होंगे रियो संधि, रियो सम्मेलन, ये वो। रियो डी जेनेरो ब्राजील ने ध्यान रखते हुए अपनी आबादी को, अपनी राजधानी को शिफ्ट किया ब्राजीलिया नाम के शहर में। अगर मैं इसमें हूं तभी लोग ब्राजील का मानचित्र आएंगे और यहां पर मुझे देख के बताएंगे, है यहां पर रियो डी जेनेरो? रियो है कि नहीं? रियो चेक कर लिए, रियो डी जेनेरो शहर होगा, रियो डी जेनेरो यहाँ पे शहर होगा, सबसे मशहूर शहर। लेकिन राजधानी कहाँ ले गए? राजधानी यहां ले गए, ब्रासिलिया। एक एयरपोर्ट की आकृति का शहर बसाया गया ब्रासिलिया। और इसमें पता है अब कौन रहता है? ब्राजील के लोग ये छोड़ के नहीं गए, रियो नहीं छोड़ा उन्होंने, यहाँ कौन रहते हैं? सरकारी अधिकारी। तो अगर आप ब्राजील की सिविल सेवाओं में काम करते, वहां की परीक्षा देते, तो आप ब्रासिलिया में रहेंगे। आप ब्रासिलिया में रहेंगे क्यों? क्योंकि यहां के लोगों ने इस तरह से काम किया। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है। तो बहुत से देशों ने ऐसा कुछ किया। नाइजीरिया ने भी अपनी लागोस को उठा के अबुजा में ले गए। तो ये क्या उदाहरण हुआ? स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ कैपिटल। इस पे प्रश्न आते हैं कि क्यों कोई देश अपनी राजधानी को उठाकर कहीं और लेकर जाता है। ये आपके उदाहरणों के लिए। और इतने लोगों को यही लगता है कि केवल राजधानी रट लो, बहुत कुछ है, दो दो माँ, जबकि हम यहाँ पर और उसका पहलू देखते हैं, काम के पहलू देखते हैं। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, ये हमें पता होनी चाहिए। तंजानिया हमने देख लिया, सोमालिया की मोगादिशु है, और इथियोपिया की आप अदिस अबाबा। तो ये वाले जो क्लस्टर है इनकी राजधानी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, प्रिटोरिया भी एक राजधानी है, डरबन भी आप देखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल राजधानी वाला देश हो जाता है। ऐसे ही बोलीविया में आपने देखा होगा, बोलीविया में दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी शहर है। बोलीविया की कौन सी राजधानी है? लापाज। कितने लोगों को याद है लापाज? दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी शहर लापाज। लेकिन बोलीविया में दो राजधानी है, एक प्रशासनिक राजधानी और एक न्यायिक राजधानी। न्यायिक मतलब जुडिशियल कैपिटल, वो सुक्रे हो जाती है। तो ये सारी चीजें अब क्लास में कब बताएंगे? जब हम इनके मानव भूगोल पर आएंगे, अभी नहीं बता रहे। लेकिन पहला परिचय क्या है? हर एक महाद्वीप को दो दो दिन दे दिए। अफ्रीका एक, अफ्रीका दो, दक्षिण अमेरिका एक, दक्षिण अमेरिका दो, उत्तर अमेरिका एक, उत्तर अमेरिका दो। कैसे किया? उसको लेफ्ट ब्रेन कर दिया, राइट ब्रेन कर दिया। कैसे कर रहा हूं? 10 दिन हो गए, 10वां लेक्चर है, मुझे लगा मैं अपने बच्चों के साथ ये कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन लेफ्ट ब्रेनर क्या है? उनका बस चले तो मेरे नाम की सुपारी, उड़ा दो यार इसको, इसने हमारी जान ले रखी है, ये हमें लिखवाई नहीं, रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता गुनाह अजीम हो गया, 250 ग्राम तो लिखवाता। ठीक है। कोई बोला सर राजनीतिक राजधानी बदलने के भौगोलिक कारण भी होता है। चाचा ये भौगोलिक ही तो है जो पढ़ा रहा हूं, क्या आपको नहीं पता क्षेत्रीय विकास भी भूगोल का विषय है? कुछ लोग ऐसा लेकर आए कि भौगोलिक जो पढ़ा रहा हूं भौगोलिक ही पढ़ा रहा हूं, इतिहास मुझे आता नहीं, मणिकांत सर इज द बेस्ट। जो मुझे आता नहीं हो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मैं तो भौगोलिक पढ़ा रहा हूं। मेरे सर भौगोलिक कारण भी होते हैं, कुछ भी। ठीक है। तो ये वाला रिवीजन हो गया, अब हम कहां पे आ गए? मिर्गी का दौरा भी हो गया आज। लक्ष्मण समझाऊं? तो फिर से एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष के साथ थोड़ा समझ भी विकसित हो, दैट इज देयर। अब हम आगे जलवायु के सिद्धांतों पर आ जाएं। तो कुछ सिद्धांत कराने बहुत जरूरी हैं अभी, तो जल्दी से सभी लोग जलवायु के तापमान के सिद्धांत को, कितने लोगों को याद है तापमान का सिद्धांत? कितने लोगों को मैंने एक मानचित्र, एक ड्राइंग दी थी अरस्तु वाला सिद्धांत, कितने लोगों को ये याद है? हाँ सर कुछ कराए तो थे सर, रिवाइज नहीं किए। कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से बना लेंगे गोला। जीरो जीरो से 30, 30 से 60, जल्दी से एकदम
बिना सोचे करते चले जाएंगे। अरस्तु का यह मानना था कि पृथ्वी जो है समान रूप से गर्म नहीं होती। पृथ्वी समान रूप से गर्म नहीं होती। कुछ बच्चों ने पता नहीं डाउट में पूछा कि सर पृथ्वी समान रूप से गर्म क्यों नहीं होती है? अगर अगर सूर्य निकलता है तो सब जगह पे प्रकाश आना चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आया ये किस तरह का लेफ्ट ब्रेन छात्र है जो ये कह रहा है कि अगर सूर्य निकलता है तो पृथ्वी पर हर जगह पर हर कोने पर प्रकाश आना चाहिए। आप सोचिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल को टॉर्च मारिए तो क्या पूरी फुटबॉल उजागर हो जाएगी? आधी ही तो फुटबॉल उजागर होगी भैया। तो ऐसे भी छात्र हैं तो उनका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो अरस्तु के सिद्धांत के हिसाब से ये क्षेत्र गर्म है, 0 से 30 जो है ये गर्म क्षेत्र है। इसको उन्होंने कहा उष्ण। ये पेटी गर्म है, ये उष्ण है, आप भी इसे एज इट इज गांठ बांध लीजिए। आप भी इसे एज इट इज गांठ बांध लीजिए। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल कहा गया, ट्रॉपिकल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इसके बाद वाली जो पेटी है ये थोड़ी कम गर्म है, क्योंकि हम विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं और सूर्य की किरणें और उनकी उनके द्वारा लाई गई ऊष्मा कम हो जाती है। यहां तो बिल्कुल ही बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रकाश की तरंगे तिरछी हो जाती हैं। तो यहां उन्होंने कहा ये शीतोष्ण है, इसको अंग्रेजी में टेम्परेट कहा गया। ये मैं पहले भी करा चुका हूं और मुझे दोहराने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे पता है कि मैं जो विज्ञान करा रहा हूं इस विज्ञान में बहुत जगह पर आप कई चीजें भूलेंगे, तो वो मैं कार्य कराता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर क्या है, इसे उन्होंने शीत कहा। शीत का मतलब कोल्ड, फ्रोजन, फ्रोजन है। पहले इसका नाम फ्रिजिड था, फ्रिजिड, बाद में आजकल इसे पोलर भी कहा जाता है, ध्रुवीय भी कहा जाता है। तो शीत हो गया शीत और ये हो गया ध्रुवीय। अच्छा, इन इनके थोड़े थोड़े से जो क्षेत्र है ना, जो थोड़ा सा क्षेत्र है वो संक्रमण का क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होता है जनरली, ट्रॉपिकल क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और मकर रेखा की ये बीच का क्षेत्र है। लेकिन जहां उष्ण खत्म होता है और शीतोष्ण शुरू होता है, इसके लिए भी कुछ नाम है। कई किताबों में ये नाम आ जाएंगे तो घबराना नहीं। इसको नाम हम क्या देते, उपोष्ण। अंग्रेजी वाले घबराए नहीं बच्चों, इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल है बच्चों। उष्ण से शीतोष्ण में जाने पर, उष्ण से शीतोष्ण में जाने पर एक अवांतर क्षेत्र आएगा, एक ट्रांजिशन क्षेत्र आएगा, उसका नाम उपोष्ण है। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, बट ये 30 में खत्म हो जाएगा। ये गर्म क्षेत्र गिने जाते हैं। फिर शीतोष्ण आ जाएगा, फिर ध्रुव आएगा। अच्छा, ध्रुव और शीतोष्ण के बीच में भी तो एक अवांतर का क्षेत्र हो सकता है, संक्रमण का क्षेत्र हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपध्रुवीय, उपध्रुवीय सब पोलर। ये केवल भाषाई सहजता के लिए हमने बनाया, ये भाषाई सहजता के लिए हमने। श्री श्री 1008 अरस्तु क्या बोल गए थे भैया? 3 पेटी ऊपर गरम शीतोष्ण शीत और नीचे गरम शीतोष्ण शीत। सभी लोग मेरे साथ, अरस्तु मामला इतना कर गए थे। तो टुंड्रा और टाइगा क्या है बेटा? इतना ही, अभी अभी इतना है। जब मैं आपसे टुंड्रा और टाइगा, जब मैं आपको बायोम पढ़ाऊंगा वो भी बता दूंगा। अभी मोटा मोटा समझ लें, मोटा मोटा समझ लें, टुंड्रा और टाइगा का अभी समय नहीं आया, ठीक है। यहां पर हैं सभी लोग मेरे साथ? दो टैंक है मेरे पास, दो टैंक हैं, इनमें पानी भरा हुआ है। दो टैंक है मेरे पास बच्चों, इनमें पानी भरा हुआ है। और पानी का स्तर समान नहीं है, पानी का स्तर समान नहीं है। इसका स्तर है x और इसका स्तर है y। ये क्या है? अधिक जल वाला क्षेत्र,
ये कम जल वाला क्षेत्र है। अगर इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया जाए बच्चों, और पाइप में लगा दिया जाए एक कंट्रोलर, संभव है? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? तो मुझे बताइए कि बिंदु ए और बिंदु बी कहां पर पानी का बोझ ज्यादा है, कहां पर पानी का बोझ ज्यादा है? अभी हमने एक यहां पे टोटी लगा दी है, टंकी लगा दी है, लेकिन इस नल को हमने बंद किया हुआ है, अभी बंद कर रखा है, तो ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, ये लोग जुड़े हुए नहीं है। कहां पे दबाव ज्यादा है बच्चों, जल्दी बताओ, ए बिंदु पर या बी बिंदु पर? सर ए बिंदु पर। ए बिंदु पर सर ज्यादा पानी है, तो पानी ज्यादा होने की वजह से उसका वजन भी ज्यादा है, तो ए बिंदु पर ज्यादा दबाव होगा, बी बिंदु में कम पानी है इसलिए कम होगा। सभी लोग मेरे साथ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां का दबाव यहां अधिक, यहां पे कम, और क्या है ये? जल। जल क्या है बच्चों? जल क्या होता है? जल एक तरल होता है, तरल मतलब फ्लूइड जो बह सके। ठीक है, जल क्या होता है? एक तो ठोस होता है, ठोस बहता नहीं है, लेकिन तरल बह सकता है। मान लीजिए मैं टोंटी खोल देता हूं, अगर मैं ये टोंटी खोल दी मैंने, तब क्या होगा बच्चों? अगर ये टोंटी खुली हुई है तब क्या होगा? सर ये तरल है, बहने लगेगा, पानी बहेगा, पानी बहेगा या नहीं बहेगा बच्चों, जल्दी बताओ, पानी बहेगा। कहां से बहेगा? ए से बी की दिशा में, एक्स से वाई या वाई से एक्स, किस दिशा में बहेगा बच्चों? इस दिशा में बहेगा, ए से बी या बी से ए, एक्स से वाई या वाई से एक्स? सर एक्स से वाई। बहुत समझदार बच्चे यार, इतना बढ़िया, आप लोग समझदार बच्चे। ऐसे पानी बहना शुरू करेगा, कब तक बहेगा? या पूरा इसका पानी इधर आ जाएगा, या पूरा इसका पानी इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। कब तक? सर जब तक दोनों का स्तर समान ना हो जाए। तो सर ये वाला उठ जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा और इसका पानी थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्या सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये बहुत कठिन बात नहीं है, क्या आप सबको समझ में आई? क्या आपको सबको समझ में आई? क्या आप मुझे बता सकते हैं हुआ क्यों, पानी क्यों बहा, पानी क्यों बहा? सर एक तरफ दबाव ज्यादा था, सर एक तरफ दबाव कम था, सर असंतुलन था, प्रकृति ने असंतुलन को हटा दिया, प्रकृति ने असंतुलन को हटा दिया। यहां पर क्या था? अधिक दबाव था सर, यहां पर कम दबाव था सर। ये तो छोटा सा विज्ञान है सर, इसमें तो कोई कठिन बात नहीं है। सभी लोगों ने घर में भी देखा ये होते हुए, अगर एक बड़ा वाला भगोना है, छोटा भगोना है, उनमें पाइप जोड़ दो, बड़े भगोने में जिसमें पानी ज्यादा है उससे छोटे में जाएगा या नहीं जाएगा? बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने हमें क्यों बताया? तो बच्चों मैं आपसे बात करना चाहता हूं हवा की, वायु की। क्या आप जानते हैं वायु भी तरल है? क्या आप जानते हैं कि वायु भी तरल है? गैस भी तो फ्लूइड होती है। और हमारा वायुमंडल किससे बना है बच्चों? गैसों से बना है। कुछ क्षेत्रों में गैस के मॉलिक्यूल अधिक होते हैं, कुछ क्षेत्रों में गैस के मॉलिक्यूल अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र हैं तो गैस सिकुड़ जाती है, और कुछ क्षेत्रों में गैस के मॉलिक्यूल कम होते हैं क्योंकि वो गर्म क्षेत्र हैं तो गैस फैल जाती है। यहां पर कम गैस, यहां पर अधिक गैस, तो बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ कम दाब के और कुछ उच्च दाब के क्षेत्र होंगे। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, और कुछ निम्न दाब के क्षेत्र होंगे जिसको लो प्रेशर कहेंगे। सर पानी तो समझ में आया, सर हवा नहीं समझ में आई? अरे भाई जैसे पानी तरल है ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल भी हैं। कुछ जगह पर गैस के मॉलिक्यूल एकदम पास पास में है सारे के सारे। सर क्यों पास है? आप सोचो, सर्दी में सारे संकुचन हो जाएगा, सर्दी में अगर तापमान कम करेंगे तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे ना बच्चों, पास में आ गए। लेकिन गर्मी में, आजकल गर्मी का मौसम आ रहा है,
तो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल फैल जाएंगे, आयतन में बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा कि नहीं। तो जब ये मॉलिक्यूल फैल गए तो जिस तरह से कम पानी था यहां कम गैस हो गई, उसी क्षेत्र में कम गैस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। सभी लोग मेरे साथ। अब मजेदार चीज हो जाएगी, यहां पाइप लगाने की जरूरत थी, यहां तो पाइप लगाने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा वायुमंडल तो कनेक्टेड है। एक असंतुलन आ गया कि नहीं, ज्यादा गैस कम गैस, ज्यादा दाब कम दाब, असंतुलन को प्रकृति पसंद नहीं करती। प्रकृति क्या कर देगी? प्रकृति इन हवाओं को चला देगी। प्रकृति कहेगी सुनो भाई चलो, और यहां के अपने ज्यादा मॉलिक्यूल को यहां पर लेकर चले जाओ, और इसे कहा जाता है पवन। और सिंपल सिद्धांत आपके पास आया होगा कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तरल पदार्थ है, समझ आया कि नहीं आया? जब भी हवा बहती है, जब भी हवा बहती है, ये मत सोचो कि आपसे मिलने के लिए आई। कई बार होता है ना, पुरवाई आई, उसका संदेशा लाई, पुरवाई संदेशा नहीं लेकर आई। भाई तुम्हारे पीछे निम्न दाब है, आगे उच्च दाब है, वो निम्न दाब पे जा रही है। तुम मोहब्बत में सोच सकते हो कि तुम्हारे घर की सौंधी सौंधी महक आ रही है, कोई महक नहीं आ रही होती। ठीक है, क्या आ रही होती है? हवा आ रही होती। सिंपल। बहुत से छात्र मुझे कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आता उच्च दाब से निम्न दाब क्यों बहती। अरे भाई ये समझ आता है, ज्यादा पानी से कम पानी पे बहेगा, असंतुलन है, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम पे बहेगा। इसमें तो विज्ञान ही नहीं है, इसमें तो विज्ञान ही नहीं है भाई, फोटो में दिख जाता है। सर एक बार इस पे सर एक अनुच्छेद लिखवा देते ना सर, आज आत्मा को इतनी शांति मिलती ना, मतलब समझ लो मेरे पुरखे भी आज खुश हो जाते। सर रामनवमी पे एक पैराग्राफ लिखवा दीजिए। अरे भाई लिख लेना, तापमान तो अरस्तु ने जो लिखा यही लिखना है। अरस्तु ने ये पेटियां ढूंढी थी, और दाब का मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं, ज्यादा हवा एक क्षेत्र में हो तो उसे उच्च दाब कहते हैं, कम हवा एक क्षेत्र में उसे कम दाब कहते हैं, और हवा ज्यादा से कम पे। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं यार, अब जो चीज समझ ही आ गई तो यार उस पे लिखवाना मतलब बचपना लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? सर आंधी चल रही है, लाइट गायब है आधा घंटा से, सर प्लीज जल्दी छोड़ दें। अरे बताओ, तो फंसे हुए। एक काम करो ना, हाँ बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर एक मिनट का ब्रेक दे दिया करें, एक मिनट का ब्रेक ले लें, सांस ले लें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर हम कुछ और कर लें। एक दो ऐसे हैं, देखो लेफ्ट ब्रेन, सर फेरल का नियम लगता है पवन में मास्टर जी, एक लिख रहे हैं सर फेरल का तो नियम लगता है पवन में मास्टर जी। सुनो, बिना फेरल भी चलेगा तो है ही, अगर कोई चीज घूर्णन ना कर रही हो तो भी ये सिद्धांत चलेगा। वो तो घूर्णन की वजह से आता है। कुछ लोग ना वो लेफ्ट ब्रेन एकदम रटे थे, जब भी हवा रटे तो एकदम रट लिए फेरल फेरल, तो अभी फेरल बोलना ही बोलना है, लेफ्ट ब्रेन एकदम कहेगा फेरल फेरल फेरल। सुनो, जहाजों पे जब चक्रवात आते हैं ना, जब चक्रवात आते हैं जो हमारी जान ले सकते हैं, हमें ट्रेन किया जाता है। हवा देखो, हवा कैसे घूमेगी, किस दिशा में तुम्हारा जहाज मोड़ना है ताकि तुम जिंदा बचो। मुझे पता है फेरल, मुझे ना बताओ। कुछ लोग लिख देते मास्टर जी फेरल। अरे पहले ये समझ लो, जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हुए ना, ट्रेंड मीटरोलॉजिस्ट, मुझे पता है आपके ज्ञान थोड़ी देर में उसके चीतड़े वितड़े टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, फिर क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मैंने कहा लेफ्ट ब्रेन वाला टूट जाता है, राइट ब्रेन लचीला होता है और टूटता नहीं। बेकार में घमंड मत करो, बेकार में घमंड मत करो सर, फेरल भी तो आएगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं? सिंपल आ गया। तो मैं क्या करने वाला था, तापमान वायु दाब पवन, तीन चीजें बता दी क्या होती हैं, तीन चीजें बता दी क्या होती हैं। अब हम वापस आते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, एक मिनट तो मेरे ख्याल से ब्रेक हो गया होगा। फेरल का नियम हवाओं के मुड़ने पर लगता है, ना कि चलने पर। मार ही डालोगे। ठीक है, चलिए मुझे पढ़ाना है वो तो पढ़ा दूं, आप लोगों के मजेदार चर्चे किससे तो चलते ही रहेंगे।
जल्दी से पूरा कर दीजिए। 0, 30, 60, 90, 30, 60, 90 ये क्या है? ये हमारी दाब पेटियां हैं, वायुमंडल की दाब पेटियां। ये याद करनी है बच्चों, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। मैंने कभी नहीं कहा कि लेफ्ट ब्रेन नहीं चाहिए बच्चों। क्या मैंने कहा कि लेफ्ट ब्रेन नहीं चाहिए? क्या मैंने कहा लेफ्ट ब्रेन नहीं चाहिए? प्रकृति ने हमें लेफ्ट ब्रेन दिया है, फिर मिले भाग लेना। और जितने भी लोगों को लगता है जोखिम वाले खेल, राइट ब्रेन को सिर्फ जोखिम समझ में आता है, राइट ब्रेन को सिर्फ जोखिम समझ में आता है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, किसी छात्र ने लिखा कि सर अब ज्योग्राफी इतनी मजेदार लगती है, सर सपने में भी ज्योग्राफी आती है और मैं मानचित्र पर लोकेशन करता हूँ। सर इसमें कोई मेरी तारीफ नहीं, क्लास की तारीफ नहीं, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूँ, राइट ब्रेन सोते में भी काम करती है। आपको पता है राइट ब्रेन सोते में भी काम करती है, लेफ्ट ब्रेन दिहाड़ी मजदूर है, वो पूरे दिन बेचारी मेहनत करती है, राइट ब्रेन रात में निकलती है, निशाचर है। बहुत से लोग जिन्होंने शोध कार्य किए हैं, बहुत सी खोजें सपनों में हुई हैं। तो इसलिए बताना चाहता हूं, जितने भी छात्रों को लगता है 24 में से 23 घंटे जागूंगा, एक ही घंटे सोऊंगा, बहुत बुरा कर रहे हो अपने साथ। राइट ब्रेन ऑन कर लो, सोते में सोचो, आपका एक मस्तिष्क काम करेगा, क्यों नहीं। इतने अभागे हैं हम लोग, हम ये सोचते हैं भाई जब तक जाग रहे हैं तभी तक दिहाड़ी चल रही है, रात में भी काम करता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसे ऐसे काम करता है, उन सपनों को देख के आपकी आंख खुल जाती है, भाई ये क्या काम कर रहा था। वही वही वही, रोक के रखना, ठीक है। निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, हाई लो, हाई लो, उच्च दाब की पेटी, हाई, निम्न दाब की पेटी, लो, हाई। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दाब पेटी। अरे कैसे बनती है बच्चों? बनती हैं, ये आपको भौतिक भूगोल में पढ़ाया जाएगा, भौतिक भूगोल में पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से खान सर कुछ क्लासेस लेंगे तो खान सर पढ़ा देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सिद्धांतों में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये विश्व भूगोल की बात है तो हम उसी में। तो होगा क्या कि अभी तो नियम देखा कहाँ से कहाँ जाती है, जल्दी से बता दो बच्चों। उच्च से निम्न की तरफ जाती है, हमेशा उच्च दाब से निम्न तरफ जाएगी। ये पवने पूरी की पूरी पृथ्वी पर चल रही होती हैं। सर आप सभी टीचर्स ने ऑप्शनल सोचने पर मजबूर कर दिया, सर सभी बेस्ट हैं। बेटा देखो मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी क्लासेस के बहकावे में आके भूगोल वैकल्पिक विषय मत ले लेना, सोच समझ के लेना। शादी किसी के बहकावे में आके नहीं होती, वैकल्पिक विषय मतलब लाइफ पार्टनर है भाई। फिर बाद में बोला सर इनके चक्कर में ब्याह लिए थे और ये जो है पत्थर मारती है। सोच समझ के, विश्वास के साथ भूगोल के बहुत से वैकल्पिक बच्चों के साथ टॉप रिजल्ट लाया हूँ, बट तब आता है वो रिजल्ट जब आपके दिल से आती है कि भाई ये चाहिए था। मजे मजे में मोहब्बती होके, अरे बहुत मजा आया हम तो भूगोले ले लिए, फिर रोगे बिल्कुल नहीं सर। फिर आप है ना, अरे जब मैं भूगोल वैकल्पिक कराऊंगा तब की तब होगी, अभी तो मेरा ऑफलाइन में ही वैकल्पिक रखता हूँ मैं ऑफलाइन में। मैंने कहा ना बहुत सारा वैकल्पिक में तो बहुत राइट ब्रेन काम करना पड़ता है, ऑनलाइन में तो बच्चा ऐसे गरिया देता है मास्टर को, अरे क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिख दियो, अबे जो लिखे हैं वो लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उच्च से निम्न में आता है, लेकिन लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल जन्म लेता है, और कोरियोलिस बल किसी भी चलते हुए तरल को, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, उसको उत्तरी गोलार्ध में चीजों को दाएं मोड़ देता है, दाएं मोड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में चीजों को बाएं मोड़ता है। ये जो हमारे फेरल के चाहने वाले बच्चे थे तो वो है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में है तो ये ऐसे चल रही थी, इसका दया ऐसा होगा,
इस पेटी में कैसी बहती है पवन? ऐसी बहती है, ऐसी बहती, ठीक है। कौन सी दिशा से आ रहा है? इस दिशा से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट पे जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ईस्टरली, ईस्टरली पवन, ईस्टरली मतलब पूर्वाई। सर जी हिंदी में लिख दीजिए सर, अरे पूर्वाई, पूर्वाई, पूर्वाई। लेकिन यहां जब उच्च से निम्न में जाएगा तो बच्चों राइट हैंड इसका क्या है? दिशा बदलने की वजह से राइट हैंड इसका ये हो गया। तो अब क्या हो रही है? पवन कहां से आ रही है? पश्चिम से आ रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। हवाओं के नामकरण का नियम है कि हवा जिस दिशा से आती है उस पे उसका नाम रखा जाता है। तो ये क्योंकि पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवन, पछुआ पवन, और वेस्टर्ली अंग्रेजी वालों के लिए भी वेस्टर्ली। समझ में आया? इशरा परवीन कह रही कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये लिखना है पहले, समझाया थोड़ी, मैं तो ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग बना रहा हूं। कोई चीज ऐसा होगा तो उस पे दाएं मुड़ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाएगा। मैंने तो ड्राइंग बनाई, समझाया हूं तो बाद की बात है। सर आपका नाम क्या है? सचिन। न, समझ नहीं आ रहा है। अबे डरा काहे रहे हो भाई, नाम ही तो बताए। ठीक है, कोई बोला सर ये खानसर भी पढ़ाएं, तो जो बच्चे कुछ फाउंडेशन खानसर से ले चुके उनके लिए भी बहुत अच्छी सहायक बात है। नहीं होगा तो भी हम लोग शिक्षक जब भी जो भी पढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए जब भौतिक भूगोल कराएंगे इसकी डिटेल भी दे देंगे, उस समय ज्यादा समझाया जाएगा। अभी समझाया नहीं जा रहा, अभी बताया जाए, परिचय कराए। और यहाँ पे पवने कैसे चलती है? ऐसे चलती हैं। तो यहाँ की पवने बच्चों ऐसी, जल्दी से ये एरो बना लेंगे, और ये एरो थोड़ी देर में मैं प्रयोग करने वाला हूं। बना लिया सभी लोगों ने? सर इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा तो लेफ्ट कैसे? बेटा सुनो, बेटा सुनो, ये ऐसे जा रहा है तो इसका राइट क्या हुआ? इस तरफ राइट हुआ। लेकिन अगर कोई पवन ऐसे जा रही है तो इसका राइट ये होगा। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसीलिए कह रहा हूं लेफ्ट ब्रेन को समझ में नहीं आता। जब मैं ऐसे जा रहा है रॉकेट, ऐसे जा रहा है रॉकेट, तो इसका राइट सोचो। एक कलम ले लो, सबको ही हाथ में ले लो कमन कलम, ऐसे रॉकेट जा रहा है, रॉकेट की दिशा में देखो तो यहां पे इसका राइट होगा। लेकिन अगर रॉकेट नीचे आ रहा है तो बच्चों रॉकेट तीर की दिशा के, तीर का राइट होता है, तीर का जो हेड होता है तीर के राइट में जाना है। तो किसी ने कहा सर ये लेफ्ट में क्यों लग रहा है? समझ रहे हैं? देखने में आपकी आपकी दृष्टि से देखूं तो ये तो राइट हो रहा है लेकिन ये लेफ्ट जा रहा है। बेटा लेफ्ट किसके? इस दिशा के राइट में है। जब यहां पे पवन ऐसे आ रही है ना, इसके राइट में होगा, हमेशा तीर के राइट में, तीर के राइट में, एरो के राइट में। आशा है समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गए सभी लोगों को? तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, क्या बताई मैंने आपसे? ये बनवाया कहाँ गया? वो गोला बनाया था। तापमान का, दाब का मतलब क्या होता है? पवनों का प्रवाह कहाँ से होता है? उच्च दाब से निम्न दाब होता है। विश्व में कुछ पेटियां हैं, वो पेटियां हमेशा के लिए बनी हुई हैं, ये पूरे साल बनी रहती हैं, और इनमें पवनों का प्रवाह होता है। ये आपने अभी बना लिया, अभी इसको अप्लाई करवा दूंगा, अभी अप्लाई करवाऊंगा, चिंता मत करो। आखिरी चीज जो आज की है सिद्धांत में, आखिरी सिद्धांत है वर्षा का सिद्धांत। अभी दिल्ली में वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा होती कैसे? तो सभी लोग ध्यान दीजिए, नोट्स लिखेंगे भी, नोट्स लिखेंगे। वर्षा के तीन प्रकार, वर्षा के तीन प्रकार, वर्षा के तीन प्रकार हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि वर्षा, वर्षा की जब हम बात करते हैं, वर्षा तब आएगी जब हवा में व्याप्त जलवाष्प संघनित होकर बूंद बनेगा। वाटर वेपर जब कंडेंस होकर ड्रॉप बनेगा तब होगा। अब मुझे बताइए कि जलवाष्प को
संघनित करना है तो तापमान बढ़ाना या घटाना है, वेपर को कंडेंस करना है तो कूलिंग करनी पड़ेगी या हीटिंग करनी पड़ेगी, कूलिंग करनी पड़ेगी या हीटिंग करनी पड़ेगी। कूलिंग करनी पड़ेगी या हीटिंग करनी पड़ेगी, ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो आज दिल्ली में बारिश के लिए इसका मतलब कहीं पर हवा ठंडी हुई। तो नियम क्या है, नियम फॉर्मूला समझ लो, कोई भी ऐसी चीज जो हवा को ठंडा करेगा उससे वर्षा हो सकती है, क्योंकि हवा ठंडी होगी तो हवा में जलवाष्प है, जलवाष्प संघनित होकर क्या बन जाएगा, बूंद बन जाएगा। बूंद बनाने का सिंपल फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, हिंदुस्तान में हम लोग ऊपर आसमान में देखकर गाना गाते हैं, इंद्रदेव की पूजा करते हैं, आपने मेघ मल्हार भी सुना है, उस सब से बारिश होती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल वाष्प के संघनन से होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि हे भगवान इंद्रदेव हमारी व्यथा सुनो, इंद्रदेव से रुका नहीं जाता और वो छोड़ देते। मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ, मैं पूरे समर्थन में हूँ, लेकिन शिक्षक हूँ तो विज्ञान भी तो बताना पड़ेगा ना बच्चों, ठंडा करना होगा और जब ठंडा होगा तो वो संघनित हो जाएगा जलवाष्प और उससे वर्षा होगी। तो एक ही नियम है, हवा को ठंडा करना। तो जो भी हमारे गर्म क्षेत्र हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहली हवा इसको बोलते संवहनीय वर्षा, प्लीज लिख लीजिए जल्दी से लोग, लिख लीजिए संवहनीय वर्षा। इसको बोलते कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, पहली वर्षा। यहां पर पहली चीज क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के साथ, विश्व भूगोल कर रहा हूं, लेकिन विश्व भूगोल में थोड़े थोड़े छठी सातवीं आठवीं लेवल के सिद्धांत दे रहा हूं, ग्यारहवीं बारहवीं लेवल के सिद्धांत, इनके डीप में कब जाऊंगा, जब मैं आप लोगों के साथ या कोई भी टीचर अगर आप लोगों के साथ जब भौतिक भूगोल करेगा तब बताए जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता आप यूं समझिए कि एक हड्डियों का डॉक्टर है और वो जो है इलाज कर रहा है, लेकिन पेशेंट की ऑपरेशन चल रही है, अचानक उसका दिल बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो हड्डी के डॉक्टर को ये थोड़ी ना है कि उसका हार्ट बंद हो गया, भाई मैं तो हड्डी का काम है, दिल चले ना चले, वो इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएगा कि नहीं भाई इसका दिल रुक गया, दिल के डॉक्टर को बुलाएगा। तो मैं विश्व भूगोल पढ़ा रहा हूं बच्चों, मुझे लगा कि थोड़े से सिद्धांत देने चाहिए, तो मैं सिद्धांतों का बस परिचय दे रहा हूं, चिंता मत करो, इसकी डिटेल भी बताई जाएगी और अभी इसको लागू कर देंगे तो सबको दिखने लगेगा मैंने क्या किया, ठीक है। तो जब अति गर्म क्षेत्र होते हैं, अति गर्म क्षेत्र जैसे विषुवतीय रेखा, ट्रॉपिकल क्षेत्र याद है, ट्रॉपिकल में उष्ण पेटी में हवा बहुत गर्म हो जाती है। अच्छा, गर्म हवा हल्की हो जाती है तो गर्म हल्की हवा उठने लगती है, गर्म हल्की हवा उठती है, ठीक है। अब आप सब, गर्मी आ रही है, गर्मी में लोग क्या करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो पहाड़ों पे जाते हैं ना सर, वहां ठंडा रहता है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। कल की क्लास में हमने देखा था 160 डिग्री पर 160 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हवा जाएगी ऊपर तो वो ठंडी होने लगेगी। बच्चों फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, कैसे बनेगी वर्षा ठंडा, किसने कर दिया, अरे ये तो प्रकृति ने कर दिया। गर्म क्षेत्रों में ब्राजील में पूरे दिन की गर्मी, हवा ऊपर उठती है, शाम को बादल बन गया, बहुत बढ़िया भाई, और बारिश हो गई सही 4 बजे। इसको 4 o'clock शावर कहते हैं ब्राजील में 4 o'clock शावर। ये बड़ी भारी वर्षा होती, मूसलाधार वर्षा होती, बाल्टियां गिरती हैं। और कहां से आता है सर इतना पानी इन बादलों में, तो बेटा जलवाष्प से आता है। सर जलवाष्प कहां से आता है, इस सारे विषुवती रेखा में रोज ही बारिश होती है, वहां पानी भी होता है, आपने देखा अमेजन नदी भी है, तो वहां पानी के स्रोत हैं। दिन की गर्मी से वो सब भाप बन जाते हैं, भाप जाकर ऊपर वो बन जाती है बादल ठंडी होकर, और उससे वर्षा हो जाती है। ब्राजील में जब हम काम करते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि 4 बजे तक सारा काम निपटा के रखो, क्योंकि उसके बाद बारिश होनी होनी, ठीक है। तो ये संवहनीय वर्षा कहां पर होगी, कौन सी पेटी में, अरस्तु की कौन सी पेटी में होगी, बच्चों जल्दी बता दो, अरस्तु की कौन सी पेटी में होगी, अरस्तु की कौन सी पेटी में होगी, अरस्तु की पेटी, अरे अभी तो बनाई थी बच्चों,
अब सबको पता चल गया विश्व में वर्षा कहाँ होती है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ कौन सी वर्षा होती है, कौन सी वर्षा होती है यहाँ पर? अरे सर यहाँ पे तो संवहनीय वर्षा होगी। बहुत अच्छी बात, आपको पूरी पेटी पता चल गई। पर संवहनीय वर्षा सर यहाँ तो मरुस्थल भी होते हैं। हाँ संवहनीय वर्षा को क्या चाहिए बच्चों? संवहनीय वर्षा ऐसे ही सब जगह नहीं हो जाती है, दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें? क्या चीज दिखाई दे रही है बच्चों? जल्दी से सोच के बताइए क्या चीज दिखाई दे रही है। सर एक तो गर्म है, एक तो गर्म है और दूसरा क्या है सर? वाष्प भी तो होना चाहिए। मरुस्थलों में क्या नहीं मिलता है? वाष्प होता नहीं है। वो वाला नींबू होता है मरुस्थल का जिसमें निचोड़ने पे रस ना निकले, समझ में आया? सिर्फ दो चीज, गर्म और आर्द्र। आपको सबको एक वर्ड दे रहा हूं जो लोग नहीं जानते हैं, आर्द्र शब्द का प्रयोग किया जाता है भूगोल में, इसको अंग्रेजी में ह्यूमिड कहते हैं। तो ये कौन से क्षेत्रों की वर्षा है? हॉट एंड ह्यूमिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल। इसे हम कल मानचित्र पे भी दिखा देंगे, कई जगह पे वर्षा करवाने वाला हूं कल। कल इसको सब एक्शन में ला दूंगा। अच्छा ये तो हुआ यहां पर, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आपने समझा दिया, धन्यवाद। तो अभी बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया ब्राजील में वर्षा कैसे होती है। अगर मैं अभी आपसे कहूं बच्चों ये बताओ कॉन्गो में वर्षा कैसे होती है, तो क्या बताएंगे? सर संवहनीय वर्षा होती है। बताओ बिना बताए आपको बताया कॉन्गो में वर्षा कैसे होती है। अच्छा इंडोनेशिया मलेशिया बेटा वो जो विषुवत रेखा पर द्वीप है उनमें बहुत भारी वर्षा होती है, क्यों होती है? सर वहां संवहनीय वर्षा होती है। आप गए भी नहीं, अभी पढ़ाया भी नहीं, आपके पास फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि नहीं? उस पेटी में है इसलिए हो गई। अब एक बात बताइए, इस पेटी में भी जाऊंगा शीतोष्ण में, यहां पे तो गर्मी नहीं है, तो फिर यहां कैसे होगी वर्षा? तो यहां भी हो जाती है। तो कोई और भी तरीका होगा, कोई और भी तो तरीका होगा जिससे वर्षा होती। यहां का तो समझ में आ गया सबको संवेदनी। अब हम आते हैं दूसरे तरीकों पर। दूसरे तरीकों में क्या होता है कि हवा को जबरदस्ती उठाया जाएगा। यहां तो खुद ही उठ जाती है, गर्म है तो उठ जाती है, यहां जबरदस्ती उठाएंगे तो इसमें दूसरा नंबर आएगा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय अंग्रेजी बच्चों के लिए ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। यहां पर क्या है, ये शीतोष्ण सागर है, शीतोष्ण क्षेत्र का सागर सागर है। तो सागर पे हवा है, हवा चल रही है, हवा यहां पर बह रही है, हवा बह रही है ऐसे। लेकिन क्योंकि शीतोष्ण है तो अपने आप गर्म तो नहीं, अपने आप तो नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। लेकिन क्या हुआ, इसके सामने आ गया पर्वत। पर्वत क्या करेगा? भाई अब कोई रास्ता नहीं, उठो उठो। जब उठेगा तो ठंडा होगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इतना ठंडा हो गया वाष्प बन गया, यहां पे खूब वर्षा करेगा। ये वृष्टि क्षेत्र है, रेनी क्षेत्र, ये वृष्टि क्षेत्र है। लेकिन जब पर्वत जैसे ही पार कर लेगा तो भैया अब तो हवा नीचे उतरेगी, और नीचे उतरती हवा क्या होती है? गर्म होती है। उठती हवा क्या होती है? उठती हवा ठंडी होती है। तो हमें ठंडा करना है गर्म? सर ठंडा करना है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे वर्षा नहीं आएगी, तो इसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया, वृष्टि आया, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? रेन शैडो। दूसरा सिद्धांत क्लियर? दो हो गए। तीसरी क्या होती है? तीसरी को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा, स्टॉर्म। ये बाद में करा देंगे। समझ में आ गया? गर्म हवा तो उठती है, बाकी हवा को जबरदस्ती कराया जाता है। तो यहां पर कुछ और होता है, वो सिद्धांतों में आएगा। बट ये चक्रवाती स्टॉर्मी, या इसको कभी कभी साइक्लोनिक रेन भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों? आज मेरा क्या इरादा था, आपको क्या कराना था? तापमान, वायु दाब, पवन और वर्षा के सिद्धांत।
छोटे छोटे सिद्धांत दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि कल मैं इन्हें विश्व में यूज कर दूंगा, कल मैं इन्हें विश्व में यूज करूंगा। आपने क्लास करी, आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, और इस चीज को एक बार फिर से दोहरा लेंगे। लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन? दोनों चीज चाहिए बच्चों। अच्छी बात यह है हमारे पास दोनों है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, फ्रंटल या साइक्लोनिक, वाताग्र या चक्रवातीय वर्षा, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों की बात है। थोड़ा तकनीकी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। 7 मिनट बचे हैं बच्चों, टेस्ट ले लिया जाए, आज का टेस्ट ले लिया जाए, आपको प्रश्न भी समझ में आ गए, कल की क्लास से और राइट ब्रेन बढ़ जाएगा। तैयार है चुनौती के लिए? थोड़ा राइट ब्रेन सिद्धांतों को भी लगा दूंगा। अफ्रीका में जा रहा हूँ, अफ्रीका अभी अब तो कर लिया है, मोस्टली तो अफ्रीका हो चुका है, अफ्रीका के वापस आऊंगा, इन सभी तीनों के तीनों महाद्वीपों पर वापस आऊंगा जब मानव भूगोल लेकर आऊंगा। तब तैयार है चुनौती के लिए? कल लगाने वाला हूँ मैं ये सारी चीजें एक साथ। तो ये लिखित में भी हो गया, वैसे भी हो गया, आपके स्क्रीन पर भी रिकॉर्ड भी हो गया, ताकि आप देख सके। अब सभी बच्चे आज का टेस्ट कैसे देंगे? आज का विशेष टेस्ट होने वाला है, इसका चित्र कैसे बनाएंगे? ये कॉपी है आपकी, कॉपी को घुमा लीजिए, जल्दी से कॉपी को घुमा लेंगे। कॉपी के केंद्र में एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, और यहां पर ऐसे ही एक डॉटेड रेखा रखते हैं। कर लिया? कॉपी को पहले ऐसी थी, घुमा लिया, बीच में रेखा खींच दी यहां पर, ठीक है। अब यहां पे आना है और ये छोटा सा टी खींचकर ये बना दे, बना दीजिए जल्दी से। क्या बना? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के ऊपर अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ये क्या बना? उत्तर अमेरिका। ये क्या है? विश्व का 3 नंबर और 4 नंबर महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप और चौथा। अब यहां पर आ जाएंगे, यहां पर क्या करेंगे बच्चों? ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है ना, सॉरी कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर सी बनाएंगे, ऐसा सी, सी, सी का एक्सटेंशन, फ्राइंग पैन, हॉकी स्टिक, कितने लोगों ने ये बना लिया? बन गया। और यहां मजे से मैं लिख दूंगा यूरोप। आपको पता है सभी लोगों ने कहा था सर हमें ड्राइंग नहीं आती, आपको पता है आपने विश्व का आधा मानचित्र बनाना सीख लिया, इस पे बस मुझे यूरोप जोड़ना है, एशिया जोड़ना है और ऑस्ट्रेलिया जोड़ना है, आने वाले दिनों में जोड़ दूंगा। एक तिहाई से शुरू किया था, आज हमने आधा विश्व का मानचित्र कर लिया, 3 महाद्वीप दिखा दिए, समझ में आया? चलिए टेस्ट शुरू करते। पहला मैं बिंदु लिखता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। सबसे पहला नाइल रिवर, नील नदी। दूसरा अमेजन नदी। तीसरा रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे अंतरराष्ट्रीय सीमा है कहीं की, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, और रियो ग्रांडे एक वाणिज्यिक नदी है जिसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस। उसके बाद एक ऐसी नदी जो 3 नदियों को जोड़ के बनती है, रियो प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। 6 नंबर पे झील जा रहा हूं, सबसे ऊंची नौवहनीय झील टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। 7 नंबर पे विश्व की छोड़िए विषुवत रेखा पर ये झील है, विक्टोरिया झील, जिससे व्हाइट नाइल निकलती है, विक्टोरिया लेक, लेक। 8 नंबर पे कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं,
एक उनमें से ले रहा हूं, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। 9 नंबर में, 9 नंबर में हूं, दक्षिण अमेरिका में तेल से भरा हुआ एक देश है, उसमें झील में तेल है, मैरा काइबो, मैरा काइबो। 10 नंबर में मैं घास क्षेत्र प्रेरी की बात कर रहा हूं। 11 नंबर में मैं एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहा हूं, दलदली क्षेत्र है, इसका नाम है ग्रान चाको। यहां पर एक लकड़ी होती है क्वेब्राचो नाम की, क्वेब्राचो नाम की मजबूत लकड़ी। 12 में मैं सभी लोगों से जानना चाहता हूं, उसेन बोल्ट इस द्वीप से आते हैं, इस द्वीप का नाम है जमाइका, जमाइका, ये ग्रेटर एंटिलीज, बड़े वाले एंटिलीज का हिस्सा है। 12 हो गए इधर। 13 नंबर में बच्चों मैं एक द्वीप चाहता हूं, फॉकलैंड द्वीप, वहां जमाइका द्वीप हो गया, जमाइका आई एस का मतलब आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। 14 में मैं जानना चाहता हूं बच्चों, आइलैंड की बात कर रहे हैं हम, हवाई द्वीप, हवाई। 15 में बच्चों मैं कुछ जल संधियों की बात कर रहा हूं, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। 16 में मैं जा रहा हूं, ड्रेक्स पैसेज, ड्रेक के नाम पर, ड्रेक्स पैसेज। 17 में मैं जा रहा हूं, एक और जल संधि मुझे चाहिए, बाबल मंडप, बाबल मंडप। 18 में बच्चों मैं कुछ नहर की बात कर रहा हूं, सुवेज की नहर। 19 में मैं बात कर रहा हूं, पनामा की नहर। 20 में मैं आप सभी लोगों से एक देश के बारे में जानना चाहता हूं, ये कहां पर है, इस देश का नाम है हंडूरा। और एक और देश मैं आपसे जानना चाहता हूं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी का मुझे रवांडा दे दीजिए, रवांडा दे दीजिए, या इसकी राजधानी है किगाली, जो आपको याद हो वो कर दीजिए। 21 में आ गई किगाली, जो इसकी राजधानी है। 22 में बच्चों, 22 में, 22 में मैं कुछ पठारों की बात करना चाहता हूं, मुझे एक पठार दे दीजिए, यूकॉन का पठार। 23 में मुझे एक पठार दे दीजिए, पैटागोनिया का पठार। और 24 में मुझे दे दीजिए इथियोपिया का पठार, इथियोपियन प्लेटू, इथियोपिया का पठार, इथियोपियन प्लेटू, इथियोपिया। और 25 में जो लोग कुछ नहीं ला पाए, और मेरे नाम पे आपकी जान जाने वाली, ऐसा ना हो, जो आपको समझ में आता हो, आप अटलांटिक ओशन मार्क कर दीजिए या पैसिफिक ओशन, ये जो आपको मिले भाई वो मार्क कर देना। अटलांटिक पैसिफिक, 25 एंट्री हैं आज, और मैंने कहा कि मैं सिद्धांतों को भी बढ़ाने वाला हूं, मैं राइट से भी काम करूंगा, मैं लेफ्ट से भी काम करूंगा, मैं सभी से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मैं आपको खींच रहा हूं, आपकी क्षमताओं को खींच रहा हूं। बहुत से लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, अपने आप को खींच रहे हैं, कुछ लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। बच्चों रेजिस्ट करना बंद करो, मुझसे लड़ना बंद करो, मैं आपकी तरफ हूं, ठीक है। उत्तर दे दिए जाए। नंबर वन नील नदी, ये नंबर वन है। अमेजन नदी नंबर दो है। नंबर तीन क्या हुई, रियो ग्रांडे, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नंबर तीन, नंबर चार सेंट लॉरेंस, इधर आ गई सेंट लॉरेंस। नंबर पांच रियो डीला प्लाटा, जहां पे पीपीयू मिलते हैं, ये नंबर छह हो गई, नंबर पांच हो गई। नंबर छह में है टिटिकाका झील, नौवहनीय झील है टिटिकाका झील। 7 में विक्टोरिया हो गई, 8 में ग्रेट बियर हो गई, 8 नंबर, 9 नंबर में मैराकाइबो हो गई, वेनिजुएला में मैंने आपको यहाँ पे बनवाई थी वेनिजुएला, 9 नंबर में। 10 नंबर में प्रेरी क्षेत्र, 10 नंबर ये क्षेत्र है उत्तर अमेरिका का घास क्षेत्र प्रेरी। 11 नंबर ग्रान चाको मैंने आपको बताया था, ये दलदली क्षेत्र है 11 नंबर का।
जहां पर हमने क्वेब्राचो लकड़ी देखी। जमाइका द्वीप, जमाइका द्वीप यहाँ पर है, क्यूबा हिस्पैनियोला यहाँ पर जमाइका है, जमाइका का नंबर 12 है। 13 पे फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पर 13 हो गया। 14 में हवाई है, यहाँ पर 14 हो गया। 15 में हमारे पास जिब्राल्टर की जलसंधि, ये 15 हो गया। ड्रेक्स का पैसेज 16 हो गया। 17 क्या है, बाबल मंडप 17 हो गया। सुएज नहर यहाँ पर है 18 हो गया। 19 में पनामा की नहर 19 हो गया। 20 में हंडूरा, मैंने आपको बोला था बिग हेन, बेलीज ग्वाटेमाला हंडूरा यहाँ पर है, हंडूरा, हंडूरा आपका हो गया 20 नंबर। 21 नंबर पे रवांडा की गाली, ये जो हमारी विक्टोरिया झील है, युगांडा रवांडा बुरुंडी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21 नंबर। 22 में यूकॉन का पठार, ये यूकॉन नदी, ये इसका पठार। 23 में पैटागोनिया का पठार, ये यहाँ का मरुस्थल और पठार। 24 में इथियोपिया, सर इथियोपिया तो आपने बताया था, अरे ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहीं पे तो इथियोपिया है, इथियोपिया का पठार जहां से लेक टाना निकली थी, टाना, तो इथियोपिया का पठार 24 और अंतिम में 25। तो फिर कहना चाहूंगा कि इसके बाद, आज के डिस्कशन के बाद, अगर हमारे 25 से कम आ रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी लेफ्ट को ही किसी तरह से आप रटना चाहते हैं, और वो स्वाभाविक है, प्रकृति ने, भगवान ने दिए, प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा किया है। पर मैं चाहूंगा कि प्रकृति से जो हमें मिला है लेफ्ट, तो जो हमने भगवान ने राइट भी दिया है, तो चीजों को जोड़ दें, दोनों में समन्वय ले आएंगे, मुझसे लड़ना बंद करें, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग 4 मिनट एक्स्ट्रा। और रामनवमी, एक बार आप सबको फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं, और रामनवमी में एक बार फिर से जहां से भी आप ज्ञान ले सकते हैं ज्ञान लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।